नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अलग तरह के वेबिनार में शामिल हुए हैं जिसका शीर्षक है कोविड और हमारा अस्पताल। ये वेबिनार हमारे ऑप्थेल्मिक दोस्तों और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उन दोनों के लिए है। इस वेबिनार के हमारी चेयरपर्सन है डॉक्टर नम्रता शर्मा मैडम, आप सभी लोग जानते हैं, वो ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की सेक्रेटरी सचिव हैं और हम सबसे पहले उन्हीं के वेलकम स्पीच से इसका शुरुआत करना चाहेंगे। मैडम प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। मैं शुरू में यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर दीपक और डॉक्टर सतांशु माथुर हमेशा ही एक ऐसा प्रयास करते हैं जो एक नया एक्सपीरियंस होता है या नया अनुभव होता है, और इसी अनुभव में आज का ये वेबिनार जुड़ा हुआ है। सबसे पहले थे ये जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लिए प्रयास किया और अनेक वेबिनार करे और पोस्ट ग्रेजुएट्स को खुद यहाँ पे इनवाइट किया वेबिनार के अंदर ताकि वो अपनी केस प्रेजेंटेशंस कर पाए। और अब ये दूसरा है जो कि मेरे ख्याल से भारत में कहीं भी नहीं हुआ कि जिसमें ना केवल चिकित्सक डॉक्टर के लिए नॉलेज के लिए वेबिनार नहीं है बल्कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो हमारे सर्वोच्च सिपाही हैं, जो हमारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन्स हैं, उनके लिए वेबिनार करा जा रहा है। और इस प्रयास को मैं बहुत ही ज़्यादा सराहूंगी क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो जो व्यक्ति होता है उसका रोल सबसे ज़्यादा अहम है। वो उन लोगों से लिंक होने के बाद ही डॉक्टरों तक पहुँच पाता है। तो जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या हमारे स्टाफ में इवन जो अटेंडेंट्स हैं, स्पॉट बॉयज हैं, सिक्योरिटी का स्टाफ है, नर्सिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्सेस जो कि बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और इसमें सभी जो टॉपिक्स चूज करे गए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं कि ओपीडी में कैसे क्या क्या चीज़ें हमें कोरोना के रहते हमें किन किन प्रिकॉशंस का के बारे में सोचना चाहिए या ओटी में क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस चीज़ का हमें एहतियात बतरना चाहिए, अब कैसे हमें रोगियों के साथ जो है वो मतलब एक पर्सनल टच के साथ उनको लाना है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तीन चीज़ों के बारे में कहूँगी। एक तो नॉलेज होना हम सबको बहुत ज़रूरी है, मतलब हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। और जो टीवी वगैरह है, अखबार है, वेबिनार्स है, यही एक जरिया है जो कोरोना के बारे में हम पता कर सकें, और आप सभी मेरे ख्याल से इन चीज़ों से वाकिफ होंगे। दूसरा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए कि इन चीज़ों से हमें लड़ना तो है, कोरोना के साथ हमें रहना तो है। जिस तरह हम अपनी ऑफ्थेल्मोलॉजी करते हैं वो बदलने वाला नहीं है, पर जो हम ऑफ्थेल्मिक प्रैक्टिस करते हैं वो बदलने वाला है, जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं वो बदलने वाला है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वही दे सकते हैं, उनको एक सिक्योरिटी दे सकते हैं, उनको विश्वास दिला सकते हैं कि सब कुछ सेफ है, जो भी क्लिनिक है या जो भी अस्पताल है। तो उस वे में आप लोगों का रोल बहुत ज़्यादा अहम है, और डॉक्टरों के साथ मैं ये नहीं कहूँगी कंधा से कंधा मिला के, बट हमसे आगे आप लोगों को चलना है। हम तो पीछे लाइन में रह जाते हैं और पीछे ही हमारा संपर्क हो पाता है। और तीसरी चीज़ गुड प्रैक्टिसेस की, वाकई जो सही प्रैक्टिसेस हैं वो कोरोना में क्या है और किन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो इन तीन चीज़ों को आप ज़रूर इसमें कैप्चर करना, और ये सारे टॉक्स जो हैं वो आपके लिए जो जो बोली जाएंगी वो हर एक चीज़ को कवर करेंगी, बट तीन चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो नॉलेज यानी कि ज्ञान, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, और तीसरा गुड प्रैक्टिस। तो आई थिंक मैं धन्यवाद करूंगी दीपक मिश्रा का और सतांशु माथुर का कि जो उन्होंने इस बारे में सोचा, एक नई सोच है ये, और आई एम श्योर ये और भी करते रहेंगे जैसे जैसे कोरोना बढ़ेगा या घटेगा, उम्मीद करते कि घटे, और भी इस तरह के कार्यक्रम करते जाएंगे जो कि सीधे डॉक्टरों के ऊपर ही या स्टूडेंट्स के ऊपर ही टारगेटेड नहीं होंगे बट बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स पे भी टारगेटेड होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस चीज को अटेंड कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। थैंक यू।
धन्यवाद डॉक्टर नम्रता, आपने जो मैं कहना चाहता सब बातें कह दी हैं, ऑलरेडी यू हैव टोल्ड एवरीथिंग। तो ये हम लोगों को ये मालूम है कि कोरोना जाने वाला नहीं है, जल्दी से काम भी करना है, तो हाउ वी कैन वर्क विथ सेफ्टी, सुरक्षा के साथ काम कैसे करें, इसी सब के लिए रखा गया है सेमिनार। इसमें मेनली हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी है, जिनको इसीलिए इस पे हम वेबिनार को हिंदी में रखा गया है ताकि आप लोग सब समझ सकें और हम लोगों के साथ सहयोग करके इस बीमारी के लड़ने में, मरीजों के इलाज करने में सबके लिए मददगार साबित हो। हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे स्पीकर्स हैं, डॉक्टर विभूति है बिहार से, डॉक्टर विभूति है हमारे रांची से दो, डॉक्टर भारती है, डॉक्टर उमंग है मेरठ से, डॉक्टर सुरेश है राजस्थान से, डॉक्टर विनोद अरोड़ा है उत्तराखंड से, और दीपा मिश्रा हमारे ऑडिटर है हमारे साथी वाराणसी से। मैडम को अभी हमने सुना, अब हम पहले स्पीकर डॉक्टर उमंग वर्मा, वी इनवाइट डॉक्टर उमंग वर्मा हु इज फ्रॉम मेरठ, अनम्यूट योरसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉक वो बोलने जा रहे हैं, हाउ टू टेक केयर टेकर्स मींस पैरामेडिकल स्टाफ, अपनी अपने घर वालों की और मरीजों की कैसे रक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर उमंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड चेयरपर्सन डॉक्टर नम्रता, मॉडरेटर्स डॉक्टर सुधांशु, डॉक्टर दीपक, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस टॉक में शामिल होने की। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जिन जिन साधनों के साथ हम काम करते हैं, जो हमारी टीम है, अगर वो टीम सेफ नहीं रहेगी तो हम भी सेफ नहीं रहेंगे और पूरा हॉस्पिटल सेफ नहीं रहेगा। हम अपनी अपनी जगह, अपने अपने डॉक्टर्स, सारे अपनी टीम्स को जब तक सुरक्षित नहीं वो सारे हो पाएंगे, तब तक काम करने के अंदर रिस्क फैक्टर्स बहुत बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी टॉक को स्टार्ट करना चाहूंगा और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है उमंग, यू कंटिन्यू। यस स्लाइड आ गई उमंग, आगे चलो। सोशल वर्कर्स है या मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी उनकी केयर कैसे हमें करनी है ऑफ टर्म, तो ये उमंग तुम्हारा इंटरनेट काम भी कर रहा है। अपना मतलब हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपनों मतलब हमने लव वंस की सुरक्षा करनी है, अपनों मतलब अपने हॉस्पिटल में सबकी सुरक्षा करनी है और फिर देश की सुरक्षा करनी है। सेंटेंस हमारे आज के रहेंगे, हमें कोविड 19 क्या है और इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन हमें एज मेडिकल हेल्थ वर्कर्स, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे पैरामेडिकल वर्कर्स, उनको कैसे करनी है, इसके कुछ जनरल रूल्स हैं। आपको काम पे क्या करना है और काम के बाद क्या करना है, बेसिक रूल्स ये हैं। बेसिक बात समझने वाली है कि जो कोविड 19 है ये ड्रॉपलेट्स के साथ स्प्रेड होती है और ये लोगों के छींकने या खांसने या एक्सहेल करने, सांस लेने में भी और बात करने के वक्त भी, ये हवा के अंदर ड्रॉपलेट चले जाते हैं और क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं इसलिए ये जमीन के ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर और सतह के ऊपर सेटल हो जाते हैं। इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनहेलिंग से, यानी सांस के द्वारा जब हम अंदर लेते हैं इसको, या आंख पे टच करने से हम इसको अपने आप को संक्रमित कर सकते हैं, या किसी कंटामिनेटेड सरफेस को जब हम छूते हैं और बाद में अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो उससे हम कर सकते हैं संक्रमित अपने आप को। नॉर्मली 5 से 6 दिन लगते हैं सिम्टम्स को स्टार्ट होने में, मगर 1 से 14 दिन तक सिम्टम्स रिपोर्ट किए गए हैं। और कॉमन हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो बहुत इफेक्टिव है कोरोना के ऊपर। हालांकि हाइपोक्लोराइड, माइक्रोजेन D256 और 70% अल्कोहल हम रिकमेंड करते हैं। सेल्फ केयर फॉर हेल्थ वर्कर्स में, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं ये बहुत हाई रिस्क पे हैं इन्फेक्शन के, तो कुछ बेसिक जनरल रूल्स सबको फॉलो करने होंगे और ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो हमें कैरी थ्रू कर जाएंगी। सबसे पहली है हैंड हाइजीन, हमें अपने हाथों को सोप और वाटर से वॉश करना है और ये हर घंटे में करना है, हर पेशेंट को डील करने से पहले और बाद में करना है। हमें सैनिटाइज करना है, जब हम अपने हैंड को सोप एंड वाटर से वॉश ना कर सके तो अल्कोहल बेस्ड
सैनिटाइजर से पेशेंट को छूने से पहले, इक्विपमेंट को छूने से पहले और बाद में हमें सैनिटाइज करना है। हमें मिनिमम 1 मीटर का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। हमें पूरी रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करनी है, जैसे खांसते वक्त या छींक आते वक्त हमें अपने एल्बो के ऊपर के फोल्ड के ऊपर ही छींकना है या खांसना है या टिश्यू पेपर में करना है, और उसके बाद अपने हैंड्स को दोबारा अच्छे से वॉश करना है और टिश्यू पेपर को डिस्पोज करना है। पीपी को यानी अपने, बहुत गलती जो हम करते हैं कि अपने फेस मास्क को हम बार बार टच करते हैं, वो हमें नहीं करना है। अपना टेम्परेचर हमें रोज रिकॉर्ड करना है और अपना सेल्फ असेसमेंट हमें रोज करना है, चाहे वो फीवर के लिए हो या सांस उखड़ने के लिए हो, खांसी के लिए हो, और चाहे शरीर में दर्द के लिए हो। और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ये दो सिम्टम्स ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, इनके लिए भी हमें जागरूक रहना है। जब हम अपने काम पे हैं तो हमें अपने काम पे किन बातों का ध्यान रखना है? हमें काम के ऊपर अपने हाथों का सबसे पहले ध्यान रखना है और अपने हाथों को धोना है अच्छे से, और उनको हमें या सैनिटाइज करना है, और ये काम हमें बार बार करना है। जैसे मैंने पहले बताया, पेशेंट को देखने से पहले, पेशेंट को देखने के बाद, कोई सरफेस को या इक्विपमेंट को छूने से पहले, उसके बाद हमें अपने स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स को बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, जो हॉस्पिटल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स पेशेंट्स के लिए बने हैं उनके उनको हमें भी फॉलो करना है, यानी कि वो स्टाफ पे भी एप्लीकेबल होने चाहिए। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन हमें भी रोज अपने आप हॉस्पिटल को देना है, कोविड की सारी कंसर्न्स होनी चाहिए, ठीक है। और अब हमें इनकरेज करना चाहिए मैनेजमेंट को कि वो एक नो अटेंडेंट पॉलिसी या सिंगल अटेंडेंट पॉलिसी रखे, जिससे कि कम से कम लोग हॉस्पिटल में आए। आरोग्य सेतु ऐप हमें एज स्टाफ मेंबर्स को सबको डाउनलोड करना चाहिए और उसके अंदर अपनी लोकेशन को हमेशा एनेबल रखना चाहिए, जिससे कि रिस्क का हमें पता चल सके। एक चेकलिस्ट जो है, जो पेशेंट्स के लिए बाहर बनी हुई है, वो बाहर गेट पर चिपकी हुई होनी चाहिए, और हमें भी उस चेकलिस्ट के बारे में अपने आप को उस चेकलिस्ट के लिए से चेक करना चाहिए। मेन चीज जो हमारे पास है वो है कि हमें ऑल द टाइम मास्क लगाना चाहिए। एक एक टेबल है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो AIOS की गाइडलाइंस आई है पीपी के लिए, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मास्क सारे स्टाफ के लिए कंपल्सरी होना चाहिए और सारे पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स जो स्क्रीनिंग के लिए जब जैसे ही हॉस्पिटल में घुसते हैं एंट्रेंस पे, उनका फेस कवर उनको मिलना चाहिए। हमें अपनी ओपीडीज का एक प्रोसेस फ्लो को चेंज करना चाहिए स्टाफ के साथ मिलकर, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम मैक्सिमली अप्लाई कर सके और मिनिमम स्टाफ और पेशेंट मूवमेंट हो हमारे प्रेमाइसिस में, और जो टोटल टाइम है पेशेंट का वो रिड्यूस हो, और पेशेंट के साथ टॉक टाइम भी हमें रिड्यूस करना है और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें एट ऑल टाइम्स मेंटेन करनी है, चाहे वो चेयर्स स्टाफ के बीच में हो या पेशेंट्स के साथ हो। अल्टरनेट सीटिंग चेयर्स पे रिबन्स लगाएं और फ्लोर के ऊपर भी मार्किंग्स हम करें, जिससे कि बैरियर्स या क्यू के लिए बैरियर्स लगाएं, जिससे कि पेशेंट दूर से ही बात करें या आपस में स्टाफ की दूर से बात हो। प्लीज कैफेटेरिया जैसे एरिया के अंदर बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों ने अपने मास्क उतारे हुए होते हैं और अक्सर बातचीत भी चल रही होती है, तो इसमें हमारी रिकमेंडेशन है कि कैफेटेरिया की सीटिंग इस तरीके से की जाए कि लोगों की बैक एक दूसरे की तरफ फेसे।
Umang, there is no sound. So, can you hear me, Deepak? Deepak, can you hear me? Yes, we can hear each other, but I think Dr. That will recover later on. So there was some problem in communication. But the main thing, mukhya roop se jo Dr. Umang wala kehna cha rahe the, Umang, unmute yourself. Unmute yourself. Admin, unmute Dr. Umang. Yes. Umang, you speak without slide. Umang. उनकी आवाज नहीं आ रही है. Admin, unmute Umang. वो हो नहीं रहा है. तुम बिना साइड के बोलो Umang. तुम बिना साइड के बोलो. Can you hear me now? हाँ, we can hear you. Without okay. slide. तो अब इसके अंदर जो 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 आपको बताना था कि इसमें सब सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मैंने आपको बताया और स्टाफ के जो है एक सेकेंड मैंने ना दूसरा कंप्यूटर पर मैं स्लाइड्स खोल लेता हूँ उसकी बिना स्लाइड बता दो मैं तब तक जब तक स्लाइड खोलते हैं आई विल जस्ट टेक वन Data Suresh, your comment till then. No. Staff, what so, staff should take जो हमें अपना work process modify हमें अपना work process जो modify करना है mask पहनने और maximum social distancing को हमें promote करना है और staff के premises को हम staff को premises में उनका movement हमें कम करना है talk time reduce करना है physical distancing करनी है और hand to hand transfer के बारे में मैंने भी बताया कि hand hygiene हमें maintain करनी है बहुत जरूरी है और इक्विपमेंट के साथ भी हैंड हाइजीन मेंटेन करनी जरूरी है और आफ्टर वर्क जब हम काम खत्म करके घर जाने के लिए तैयार होते हैं तो सारे डॉक्टर्स और मेडिकल हेल्थ वर्कर्स को अपना पीपी रिमूव करते हुए बहुत ध्यान रखना है वो अपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस और फेस शील्ड्स को जब रिमूव करें तो उसको डिसइंफेक्ट करें और वो डिस्पोज करें अपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से जिसमें मास्क एंड कैप्स येलो में जाते हैं और ग्लव्स रेड में जाते हैं और उसके बाद अगर उन्होंने अपनी हॉस्पिटल स्क्रब्स पहने हुए हैं तो वो अपने होम क्लोथ पे चेंज कर अपने फोन्स को कार्ड्स को स्टडीज को सैनिटाइज करें चीज है जो जो उनके पास ऐसी है जो वर्क प्लेस पे छोड़ी जा सकती है और एंड मोस्ट ऑफ ऑल आप अपने सब लोग हाथ सोप एंड वॉश करें घर में घुसने से पहले जब आप रास्ते में हो तो घर में कॉल करने के बाद फ्रंट डोर पे ताकि आपको डोर खुला वो मिले आप किसी चीज को ना छुएं जैसे कॉल बेल को या डोर नॉब्स को आप घर में घुसने से पहले एक बार दोबारा अपने फोन को सैनिटाइज करें आईडी कार्ड स्पेक्टिकल्स शूट्स को सैनिटाइज करें और किसी चीज को छुए ना और सीधा बाथरूम में जाएं वहां पर अपने जो जो कपड़े आपने पहने हैं उनको उतार कर सोक करें डिटर्जेंट के अंदर और एक हेड वॉश के साथ सोप एंड वाटर से अच्छे थोरली वॉश लें और साथ साथ परिवार में क्योंकि आप मेडिकल हेल्थ वर्कर हैं परिवार में आप अपने एल्डरली से चिल्ड्रन प्रेग्नेंट लेडीज या वो लोग जो बीमार हैं उनसे दूरी बना के रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप वेलनेस एक्टिविटी करें साथ में बुक्स पढ़ें योगा करें मेडिटेशन करें थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें एक स्लाइड है जो जो पीपी क्या यूज करना है जो उन्होंने रिकमेंड करी जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूं बट ओवरऑल जो ज्यादातर पीपी के अंदर जो ज्यादातर चीज एआईओएस ने रिकमेंड करी है हमें वो है कि हम 3-ply मास्क पहने ठीक है और लिनन गाउन्स पहने और जरूरत पड़ने पे जहां जहां जरूरत है वहां पर नाइट्राइल या लेटेक्स के ग्लव्स यूज करें उसमें सब लोगों के लिए अलग अलग मेंशन किया हुआ है एंड एक बात जो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि जब हम एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं तो ना ही हम सिर्फ केवल अपनी सुरक्षा करते हैं मगर अपनों की भी सुरक्षा करते हैं यानी पीपल यू लव जो आपके घर वाले हैं प्लस जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं आपके कोवर्कर्स हैं डॉक्टर्स हैं आपने उनकी भी सुरक्षा करी और ये सब करने से आप अपने सेंटर की भी सुरक्षा करते हैं
जिसमें अगर कोई कोविड का कम्युनिटी स्प्रेड होता है तो वो क्वारंटाइन हो जाएगा, सेंटर को बंद करा जाएगा, और इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखें कि क्वारंटाइन में क्वारंटाइन होता है जब रेस्ट्रिक्टिव एक्टिविटीज होती है या सेपरेटिंग पीपल होता है जो खुद बीमार नहीं है, ठीक है, बट जिनको डर है कि उनका कोविड से एक्सपोजर हुआ है। आइसोलेशन होता है जो लोग खुद बीमार हैं और इन्फेक्शन से उनसे हम सेपरेट करते हैं, इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग का बहुत रोल है। लेट अस मीट द न्यू नॉर्मल नाउ, लेट अस चेंज आवर लाइफस्टाइल, लेट अस चेंज द वे वी आर प्रैक्टिसिंग। हमें इसके साथ हम सबको सचेत होना है और कोविड को फैलने से रोकना है और इफेक्टिव ऑप्थाल्मिक प्रैक्टिस के अंदर हम सबको इन्वॉल्व होना है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Can you hear me? Yes, we can hear you. And I think that was a great talk. बहुत ही अच्छा बोला आपने डॉक्टर उमंग, सब कुछ ही कवर कर लिया उसमें. And I think everybody else is unmuted. Admin, you will have to unmute people to allow them to call the next speaker. Admin, unmute Dr. Satanshu, please. And बहुत ही अच्छे points बोले. And सबसे important point I think ये है कि आप जो generally हम लोगों की tendency होती है कि साथ में बैठ के मास्क उतार के चाय पी ली या खाना खा लिया, वो हमें अवॉइड करना चाहिए. ऐसे बहुत केसेस हुए हैं हमारे संस्थान में भी कि जहाँ नर्सिंग स्टाफ बैठ के 10-15 लोग खाना खा रहे थे तो उनमें से एक कोविड पॉजिटिव था और फिर बाकी के 10-15 लोग पॉजिटिव हो गए. तो वो वाली जो है वो हमें अकेले ही खाना खाने की और अकेले ही चाय पीने की आदत डालनी पड़ेगी. जो हम पहले कर सकते थे वो चीज़ें अब नहीं कर पाएंगे. इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए. थैंक यू डॉक्टर नमता उमंग. डॉक्टर नमता ने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी आदतों को थोड़ा स्टाफ के लिए हमें समझा के बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी आदतों को उन्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा जो रूटीन में वो लोग करते थे. वी कैन नॉट डू दिस थिंग नाउ, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो डॉक्टर उमंग ने जो आपको बताया उसमें कुछ चीजें और भी है, जैसे कि आप जब भी पेशेंट का आई ड्रॉप डाल रहे हैं यू ट्राई नॉट टू टच, उसको टच नहीं करना है आपको. आइदर उसको जॉन बड लेके या कॉटन से उसकी आईज को टच करके आप उस पर आई ड्रॉप डालें. कोशिश करें कि पेशेंट को टच ना करें. इसके अलावा अगर आपको टच होता है, आप ग्लव्स भी पहने हैं, तो अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए. डाटा बुद्धि से ना आप इसके अलावा और क्या केयर करनी चाहिए स्टाफ को, अपने रिकमेंड अपने बताएं. डाटा बुद्धि से ना फ्रॉम बिहार बिकॉज दे आर थ्री विभूति नाउ. डाटा विभूति अनम्यूट करें. एडमिन विभूति को अनम्यूट करो. ये एडमिन सबको अनम्यूट कर दो, आप म्यूट मत करो किसी को भी, हम लोग अपने आप म्यूट कर लेंगे. एडमिन डॉक्टर विभूति को अनम्यूट करिए. एडमिन डॉक्टर रमन आर यू हियर? डॉक्टर रमन, मिस्टर रमन, रमन रमन है यहाँ? मेरी आवाज आ रही होगी? तो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम मरीज को के पास जा रहे हैं तो एक डिस्टेंस मेंटेन करें और आपस में भी डिस्टेंस मेंटेन करें. और जब हम मास्क को उतारें तो ऐसे उतार के ना रख दें, हम मास्क को प्रॉपरली रखें, अपर साइड उसकी अपर रहे, प्रॉपरली उसको मेंटेन करें और उसको डिसइंफेक्ट करें. और जब हम घर जा रहे हैं तो अपने मास्क को डिसइंफेक्ट कर दें, अपनी शील्ड को भी डिसइंफेक्ट कर दें. रमन इसके अलावा हम लोग स्टाफ को ये भी बताना चाहेंगे कि अपना जो स्टाफ का अपना जो रहने का जगह है जहां पे वो बैठते हैं
उस जगह पे भी वो लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे से दूर दूर बैठें। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि स्टाफ को दो शिफ्ट बुलाएं ताकि एक साथ ना रहें, और जो समय मिल रहा है जो स्टाफ को भी थोड़ा सा योगा में ध्यान देना चाहिए, उससे उनको इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए अपनी, और वो इम्यूनिटी उनके काम आएगी इस कोरोना से लड़ाई के अंदर, क्योंकि ये लड़ाई पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर दोनों को मिलकर लड़नी है। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप हमारे स्पीकर जो है वो बताएंगे कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए ओपीडी के अंदर जब हम केयर कर रहे हैं पेशेंट आते हैं। तो अभी हमने जो जाना वो हम स्टाफ की पर्सनल केयर के ऊपर था। डॉक्टर विनोद अनम्यूट करें अपने को। थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। ओके कैन यू हियर मी? यस सर विनोद। आई विल रिक्वेस्ट एडमिन टू अनम्यूट एवरीवन। डू नॉट अनम्यूट अस, वी विल अनम्यूट आवरसेल्फ। ओके डॉक्टर विभूति को अनम्यूट करिए। डॉक्टर अरोरा यू स्पीक प्लीज। Can you see my screen? Yes, yes, sir. COVID के डॉक्टर स्टांशु नमस्कार। नमस्कार टू एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हेलो। यस सर। हाँ जी सर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओके मैं कर रहा हूँ, मेरी स्लाइड मूव नहीं कर रही। नीचे एरो से करेंगे, लेफ्ट साइड को नीचे की तरफ जो एरो से मूव करेगा। नहीं कर रही है, मैं एक मिनट अनम्यूट करता हूँ। मैं दोबारा से स्टार्ट करूं उसको। बेसिकली जो है कोविड ने हमारी सारी स्थिति चेंज कर दी है। हमारी जितनी भी चीजें थी अब वो पहले जैसी नहीं रही। क्लियर है? स्लाइड्स क्लियर है? सर यू डिड नॉट शेयर योर स्क्रीन सर। ओके मैं दोबारा से शेयर करता हूं। देयर इज सम प्रॉब्लम। It's okay now? Yes, sir. Yeah, okay, sir. Sir, go to slide show. Yes, okay. Fine, sir. तो जब अगर सिचुएशन बदल जाए तो हम उसको बदल नहीं सकते, हम कोविड को बदल नहीं सकते, तो हमें खुद ही बदलना होगा। बदलना क्या होगा कि हमें कैसे पेशेंट देखने हैं, कैसे अपनी केयर करनी है, कैसे हॉस्पिटल स्टाफ की केयर करनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा जिससे कि ये इन्फेक्शन हमारे से ना फैले, हम उसमें एक बैरियर की तरह काम करें और इसको फैलने में किसी तरह से सहायक ना हो। तो हमारा एक्शन प्लान क्या होगा? एक तो जो हमारे पेशेंट्स हमारे मरीज आ रहे हैं हमारे अस्पताल में, उनका हमें ध्यान रखना है कि वो इन्फेक्शन लेके अंदर ना आए, हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लेके बाहर ना जाए। दूसरा जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है, डॉक्टर्स है, हमारे जो कंपाउंडर्स है, हमारे असिस्टेंट है, रिसेप्शन स्टाफ है और जो भी स्टाफ है, उसको आपस में ना फैले, उनको पेशेंट से ना फैले, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे हम इसको बचाएं। एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था जो कि मैं पेशेंट्स को दे रहा हूं। मेरे मरीजों की सुरक्षा ही मेरी पहली प्राथमिकता है। मेरे क्लिनिक में कदम रखते ही एक चिंता मुक्त अनुभव होगा। हम अपने क्लिनिक में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये तीन कदम उठाते हैं, स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग और शारीरिक दूरी। हमारे द्वारा उठाए जाने वाला पहला कदम है क्लिनिक में प्रवेश करते समय मरीजों की स्क्रीनिंग और उन्हें अलग अलग करना। हम क्लिनिक में मरीज और उसके केवल एक संबंधी को रहने देने को प्राथमिकता देते हुए भीड़ भाड़ नहीं होने देते हैं। समय समय पर पूरे क्लिनिक को कीटाणु रहित करना,
क्लिनिक के प्रतीक्षा क्षेत्र में शारीरिक दूरी बनाए रखना, परामर्श के दौरान सर्वोत्तम स्वच्छता रखना, हमारे क्लिनिक के कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय, किसी भी तरह के COVID-19 लक्षणों के लिए अपने क्लिनिक स्टाफ की सक्रिय जांच, संक्रमण की रोकथाम और इस पर नियंत्रण बनाए रखने वाले कार्यों के लिए क्लिनिक के कर्मचारियों को प्रशिक्षण। COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए ये सरल उपाय हैं। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें, परामर्श के लिए मेरे क्लिनिक पर आइए। ये इस तरह के वीडियो हमें पेशेंट को भेजने पड़े, उसका कारण ये है कि ये केवल हमारे स्टाफ या डॉक्टर्स ही डरे, पेशेंट्स भी बहुत डरे हैं, वो अस्पताल में आने से हिचकते भी हैं। तो हमें ये आश्वासन अपने पेशेंट्स को देना पड़ेगा कि हम लोग सारे जो मापदंड हैं वो अपना रहे हैं, हमारे यहाँ सुरक्षित ढंग से किया जा रहा है, हम लोग अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं कर रहे। अब जहां तक मरीजों की बात है, तो सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो एक वीडियो कंसल्टेशन, यानी वो आपको व्हाट्सएप पे या वीडियो पे अपनी कंप्लेंट्स बता सके, क्या परेशानी है, क्यों आना चाहते हैं, कोई उनकी रिपोर्ट्स है तो उसको अपलोड कर दे, इससे हमें काफी सुविधा हो जाएगी। उसको अलावा एक क्वेश्चन आंसर जो होता है उसके अंदर उनको जाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तीसरा, हमें पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट सबसे पहले हमारे रिसेप्शन पे कॉन्टेक्ट करेगा, तो जो हमारे फोन पे कॉन्टेक्ट करा है उसको हमें कुछ चीजें पहले से ही बतानी है। एक तो उसमें यह है कि हमें मिनिमम चीजें अपने साथ लेके आनी है, पेशेंट्स को अपने साथ फालतू सामान बिल्कुल ना लाए, कोई बैग है, थैले है, जो जरूरी चीज है उसको ना लाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। और जो कपड़े होते हैं ना लहराते हुए, बहुत लूज क्लोथ्स है, वो ना पहने वो, क्योंकि वो फिर सारे फर्श पे लगते हैं, आसपास लगते हैं, तो उसमें संक्रमण के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनको टाइम स्लॉट अलॉट करना बहुत जरूरी है। हमारे जो रिसेप्शन पे स्टाफ है उसकी सबसे प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, तो आपको पेशेंट्स को स्लॉट देने हैं और ये बताना है कि उसी स्लॉट में आना है, तो एक साथ पेशेंट ना हो के आपके पेशेंट को टाइम को बांटना है, और इस तरह से करना है कि पूरे समय में पेशेंट्स के बीच में गैप बना रहे, एक समय हमारे क्लिनिक में बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। इसके अलावा जैसा भी आपको बताया कि हमें फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ये पेशेंट को समझा के भेजना है हमने फोन पर ही पहले ही, क्योंकि अगर हम उसको पहले से बता के रखेंगे तो वो चीजों को फॉलो करेगा। तो ये जिम्मेदारी हमारे रिसेप्शन स्टाफ की है कि वो कुछ चीजें उनको आने से पहले बता दें। उनको बताना है कि आपको मास्क है, अगर सिर कवर करना चाहे तो और भी अच्छा है, लेकिन मास्क बहुत ही एसेंशियल है हर एक के लिए, पेशेंट के लिए भी और पेशेंट के साथ जो लोग आ रहे हैं अटेंडेंट। कोशिश तो ये हो कि अटेंडेंट कम से कम आए, हो सके तो एक ही आए या ना आए, अगर आते भी हैं तो उन सबको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। अब हॉस्पिटल की क्या जिम्मेदारी होती है? हमारी जो जिम्मेदारी है कि जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उसको एंट्री पर स्क्रीन करें, सबसे पहले टेम्परेचर चेक हो, एक क्वेश्चनरी हमें दी गई है जो हमारी ऑलरेडी ऑप्थोलॉजिकल सोसाइटी ने बनाई है, उसको हम लोग उसको भरवाते हैं, हम उससे उसमें कोई रिस्क अगर होगा तो हमें पता चल जाता है। सारे विजिटर जितने भी आ रहे हैं सबको मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है, बल्कि कंपलसरी है, उसके बिना कोई एंट्री नहीं हो सकती। मास्क पहनते हुए भी बड़ा ध्यान रखना है कि पेशेंट ने अपने नाक और मुंह को पूरी तरह से कवर किया है, और ऐसा नहीं कि लूज बांधा हुआ है, हवा आसपास से निकल रही है, वो उसका बहुत फायदा नहीं रहता, उससे संक्रमण फैल सकता है। अगर इसके अलावा जो हमारा रिसेप्शन काउंटर है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन यानी जब पेशेंट फर्स्ट आता है, वहां पे फेस मास्क पड़े होने चाहिए। अगर कोई पेशेंट ऐसा आ गया जिसके पास फेस मास्क नहीं है, तो इससे बेटर है कि हम लोग अपनी तरफ से उसको फेस मास्क दे दे, और वहीं पर उसका हैंड हाइजीन हो, यानी हाथों में सैनिटाइजेशन वगैरह करें, आसपास ही हमारे वहाँ बिन्स पड़ी होनी चाहिए, लिड्स पड़े होने चाहिए, जहां पे अगर किसी ने कोई चीज डालनी है, यूज पेपर है जैसे आपने सैनिटाइज किया, टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं, उस पर डालने का प्रबंध होना चाहिए। एंट्री के टाइम पर एक ही सिंगल एंट्री होनी चाहिए हमारी, एंट्री के टाइम पर ही सैनिटाइज का एप्लीकेशन हमें कर देना है, और पेशेंट को अच्छी तरह से अपने हाथ पे रब करना है, ये नहीं कि खाली हाथ पे बीच में मल लिया, उसे हाथ के ऊपर उंगलियों के बीच में अंगूठे पर सब जगह पे उसको लगाना है सैनिटाइज को, हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, इसको पूरे ध्यान से करना है। बस सबको अनम्यूट कर दो बस, यस सबको अनम्यूट। हाँ, एक तो स्ट्रिक्ट गेट कीपिंग होनी चाहिए, सिंगल एंट्री होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारी भीड़ एक साथ घुसे अंदर, एक एक करके अंदर आए, एग्जिट भी हमें मॉनिटर करनी है, और ट्रैफिक फ्लो पेशेंट का जो है ये हमें कंट्रोल करना है। तो उसका एक तो मैंने बताया कि आप टाइम स्लॉट अलॉट करेंगे, दूसरा जो गेट पे है आपका पर्सन गेट कीपिंग कर रहा है वो मेंटेन करेगा इस चीज को। स्क्रीनिंग जोन जो है तीन लेवल के होते हैं, उसमें हॉस्पिटल में जब इंक्लूड करते हैं पेशेंट का अटेंडेंट और हॉस्पिटल स्टाफ,
जो हमारा एंट्रेंस है उस पर हमारा हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, थर्मल स्कैन होना चाहिए और फेस मास्क पड़े होने चाहिए। थर्मल स्कैन हमें सबका करना है, इसका टेम्परेचर अगर किसी का भी ज्यादा हो तो उसको वहां रोक के अपने हम जो अधिकारी या डॉक्टर हैं उसको इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है उससे हमें सबसे पहले पूछना है कि कहीं आसपास हो, बाहर तो नहीं गए। मान ली देहरादून में मैं रहता हूँ तो मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ देहरादून से बाहर तो नहीं गए, या घर से बाहर कहीं दूर आसपास तो नहीं गए, या किसी के कॉन्टेक्ट में तो नहीं आए जिसको जुकाम खांसी ऐसी कोई तकलीफ थी। ये हमारे ट्रेंड स्टाफ उनसे पहले ही गिर जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जो है हमें अगर ग्लास पार्टीशन लगा देते हम लोग तो बहुत ही अच्छा है, वो स्क्रीन करता है, या कोई हम लोग स्क्रीन यूज कर सकते हैं, या पेशेंट को जो हमारा काउंटर है उसके पास कोई हम चीज रख सकते हैं जिससे पेशेंट एकदम काउंटर के ऊपर ना आए, जहां हमारा स्टाफ पीछे बैठा है काउंटर से थोड़ी दूरी बनी रहे, जिससे कि पेशेंट और रिसेप्शन वाला जो स्टाफ है या रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टाफ है उनके बीच में गैप हो। सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमें एक फिजिकल डिस्टेंस बना के रखनी है, कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए, 1 से 1.5 मीटर हो, या जिसको 6 फीट कहते हैं हम लोग, वो हर डेस्क पे हमें वहां पे निशान लगा देना चाहिए कि इससे आगे पेशेंट नहीं आए। तो हमें इस तरह से मार्किंग बना देनी चाहिए कि कितने पास आपकी रजिस्ट्रेशन डेस्क के पेशेंट आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा स्टाफ है उसके लिए अलग से एक पीपी इक्विपमेंट होते हैं, एक तो डॉक्टर्स के लिए है, उनके लिए अलग से एक प्रोसीजर है जिसपे मैं डिटेल में आऊंगा। उसमें मास्क है, ग्लव्स है, बॉडी वियर्स है, वो सब हमें पहनने हैं। जो डॉक्टर का है डॉक्टर के लिए, जो स्टाफ का है स्टाफ के लिए, उसी हिसाब से पहनना। सभी पर्सनों सभी लोगों को हमने जो है वो पहनना है ग्लव्स वगैरह, स्टाफ भी पहनना है। उसके अलावा हैंड सैनिटाइजर सभी ने यूज करना है। स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल हमें पूरे फॉलो करने हैं। इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि मैं कहीं ट्रेवल नहीं करा, मुझे जुकाम खांसी पिछले 15 दिन में नहीं हुआ, या मुझे कोई कोविड की परेशानी नहीं थी, या मेरे घर में या मेरे संबंध में किसी को ऐसी कोई परेशानी नहीं रही। तो हमारे जितने भी ओपीडी पेशेंट आ रहे हैं सबका करना है। आईपीडी की डिटेल आपके पास बाद में आएगी, उसमें तो बहुत ही कंपलसरी है। हर स्टाफ को भी डेली ये भरना है कि हम लोग इससे किसी तरह से प्रभावित नहीं है। तो आप चाहे रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं स्टाफ के लिए, उसमें सभी आके ये अपना करेंगे, आप ऊपर एक लिख दें उसमें आके साइन करेंगे, उसमें से मुझे कोई भी लक्षण नहीं है, तो आपके सारे स्टाफ को भी साइन करना है। और आरोग्य सेतु ऐप जो आपको बताया है, ये एक तरह का ऐप है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सभी के पास होना चाहिए। सभी का मतलब पेशेंट के पास भी होना चाहिए, डॉक्टर के पास भी होना चाहिए, सभी स्टाफ के पास होना चाहिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाली होने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको ब्लूटूथ से ऑपरेटेड होता है तो उस व्यक्ति का ब्लूटूथ हर समय ऑन होना चाहिए। अगर किसी का ब्लूटूथ ऑफ पड़ा है तो आरोग्य सेतु अब काम नहीं करेगा। ये बहुत ही प्रभावी है, इससे हमें दूर से पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में कोई उससे पीड़ित या उससे कोई कॉन्टेक्ट वाला पर्सन तो नहीं है। इससे हमें काफी सहायता मिलती है आगे प्लान करने में। जो पेशेंट की चेकलिस्ट है, क्या क्या चीजें हमें पूछनी है, क्या क्या करना है, वो हमारे रिसेप्शन या गेट के पास ही होनी चाहिए। अच्छा, जो हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछा कि आपको टेम्परेचर तो नहीं हुआ। एक तो हम लोग चेक कर रहे हैं उसको 37.5 से ऊपर टेम्परेचर तो नहीं है, लेकिन पेशेंट से पूछना भी जरूरी है उससे पहले। ये लोग रिसेप्शन पे भी पहले पूछ सकते हैं, अगर फोन से आ रहा तो उसमें भी हम लोग नोट कर सकते हैं। उसको खांसी वगैरह तो नहीं है, उसको कोई गले के खराश या ऐसी कोई तकलीफ तो नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो नया आया है कि सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, यानी उसको ऐसा तो नहीं लगता कि कोई पता कोई सुगंध या गंध नहीं आ रही, या उसका टेस्ट खराब हो गया है, या उसको स्वाद का ही नहीं पता चल रहा। ये चीज हमें बड़ी ध्यान देनी है। अच्छा, वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया जिसको कोई प्रॉब्लम थी या कोई सिम्टम थे, ऐसे इस तरह के जो सिम्टम है, खांसी जुकाम, गला खराब होना या बुखार की। अगर वो किसी एरिया में ऐसा ट्रेवल तो नहीं करा जो कंटेनमेंट जोन कहलाते हैं, जहां पे कि बहुत ज्यादा रिस्क है, उस एरिया में तो ऐसा नहीं गया, या जिस एरिया में बहुत अब रेड जोन तो खत्म हो गए, लेकिन कंटेनमेंट जोन की हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। और कहीं आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं, कोविड एरिया में तो नहीं काम कर रहे, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे उसमें, पिछले 2 हफ्तों में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपको कोई कोविड पॉजिटिव तो नहीं निकला कभी, या कोविड टेस्ट तो नहीं हुआ, आपके घर में किसी को तो नहीं हुआ, आसपास आपके जो है जो आपके संपर्क में उन लोगों में तो किसी में पॉजिटिव नहीं हुआ, आपको कभी हुआ, रिकवर कर गए, इस तरह की हमें सारी बातें पूछनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो पेशेंट जिनको जैसे डायबिटीज है, सांस की तकलीफ है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उनको इनमें बीमारी बहुत गंभीर रूप से हो सकती है, तो इसका हमें पहले से ही पूछ के रखना है कि इस तरह की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमें उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
कि हमें सावधानियां उसी हिसाब से रखनी पड़ेंगी, उनका ऑपरेशन हो सकता है नहीं हो सकता, इन सब चीजों का उसमें बहुत ही ज्यादा महत्व है। अब जो है जैसे अभी डॉक्टर माथुर ने आपको बताया कि क्या क्या स्टाफ को हमारी केयर करनी है, कुछ चीजें इसमें ओवरलैप होंगी, लेकिन क्योंकि ओपीडी में हो रही है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो अपने हाथ धोएं और हैंड सैनिटाइजर यूज करें, सबसे अच्छा तो हैंड ये आपका हाथ धोना है साबुन से, देयर इज नथिंग लाइक दैट, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। नहीं अगर है बार बार नहीं धो सकते तो सैनिटाइजर बीच बीच में यूज करते रहें। घुसने से पहले ही आपको स्क्रीन करा लें कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है या कुछ फीवर तो नहीं है। आप जो कपड़े वहां हॉस्पिटल में पहनने के लाए हैं अगर अलग से रखें तो बहुत ही अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है बनस्पत आप जो कपड़े घर से पहन के आए और वही कपड़े घर पहन के जाए। हॉस्पिटल में आकर अगर आप कपड़े चेंज कर लें और हॉस्पिटल के कपड़े पहन लें, अपने बैग के अंदर रखें, छोटा बैग इस तरह का हो जिसमें रख सके आप। अगर आपके पास फोन है, आईडी कार्ड है, चश्मा है, गाड़ी की चाबी अगर ये बाहर रखते हैं तो इनको भी आप सैनिटाइज करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जितने भी चैम्बर्स है सबको खुला रखिए। आजकल हम लोग एसी का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि एसी में हवा सर्कुलेट होती रहती है, तो हमें जो दरवाजे हैं खुले रखने हैं इसका। और उसका एक फायदा यह भी होता है कि जब हम अंदर बाहर जाते हैं तो हमें दरवाजे को टच नहीं करना पड़ता, ना पेशेंट को टच करना पड़ता है, ना किसी और स्टाफ को टच करना पड़ता है, उसको हैंडल को हम टच नहीं करें, डोर नॉब्स को टच नहीं करें, तो उससे भी संक्रमण बचता है। तो पहले से ही खुले रहने चाहिए और वेंटिलेशन जितना अच्छा होगा उतना वायरस का प्रकोप होने की संभावना कम हो जाएगी। अब जब काम खत्म, आप कोई काम शुरू कर रहे हैं उससे पहले हैंड कर ले, आपकी जो प्रेस्क्राइब्ड पीपीई है उसको यूज करना है, तो उसमें हमें क्या क्या केयर करनी है। एक तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें आपस में भी करना है स्टाफ को भी, ये नहीं कि फिजिकल डिस्टेंस सिर्फ जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए है। हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं, दोस्ती करते हैं, जैसे डॉक्टर नम्रता ने बताया कि हम बैठ के चाय पी लेते हैं साथ में, तो उसमें भी हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है, वो हमें कोई छूट नहीं मिलती। आपने जब मास्क पहन लिया तो ये आपको हर समय पहन के रखना है, अगर उस समय चाय पानी पीने के लिए अगर बीच में आप कहीं हटाते हैं तो बड़े ध्यान से रखना है, उसकी बारी सतह को टच नहीं करना और अपनी डिस्टेंस बनाए रखनी है। अपने जो आपके साथी हैं उनसे कभी हाथ बात ना मिलाए, नमस्ते कर दें उनको, हेलो कर दें, लेकिन हाथ वगैरह ना मिलाए। अब दूसरा, अपनी एक आदत डालनी है कि बार बार अपने चेहरे को छूना, वो कोशिश करें कि ना टच करें। कई बार हमारी आदत होती है, मुंह पे हाथ लगाते हैं, आंखों में लगाते हैं, तो अपनी तरफ से ऑब्जर्व करें कि उसको हम ना करें। हाथों की प्रॉपर हाइजीन रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हमें कहीं लगता है कहीं गंदी सरफेस पे टच हुई है तो हम उस पर सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहन के रखें। और इसमें क्या है, हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं सबको मास्क पहनना है, मास्क बीच में बिल्कुल नहीं हटाना। और अगर किसी कोई वहां पे नहीं आ रहा पहन को, तो उसको रिसेप्शन के या हमारी जो गेट की एंट्री है वहीं पर मिल जाना चाहिए। तो हमें दूसरी चीज क्या करनी है कि जो हमारे पेशेंट आ रहे हैं उनका मिनिमाइज मूवमेंट हो, ये नहीं कि हॉस्पिटल में घूमते रहे, नंबर एक में जाओ, नंबर दो में जाओ, नंबर तीन में जाओ, अब नंबर छह में जाओ। तो पेशेंट अगर बीच में घूमते रहेंगे तो उसमें हमारी इसको संक्रमण बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोशिश ये हो कि पेशेंट हमारे कम हो, उसका मिनिमम हमें मूवमेंट करो, जहां जरूरी है वहां पे भेजा, और उनका जो भी काम है उसको आपको रिफ्रेक्शन कराना है तो खाली रिफ्रेक्शन में जाएंगे, फिर डॉक्टर रूम में जाएंगे, सारे रूम्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की ओसीटी होनी है तो उसे ओसीटी चैम्बर में ही जाना है, उसका रिफ्रेक्शन नहीं करना। तो ये चीजें हमें सब ध्यान रखनी है कि कम से कम पेशेंट का मूवमेंट हो, स्टाफ का भी मूवमेंट कम से कम हो, ये भी बहुत जरूरी है। फिजिकल डिस्टेंसेस के बारे में बात हो चुकी है, और जितनी हमारी लटकती हुई चीजें हैं जैसे रिबन्स हैं, कहीं कोई चीज लटक रही है, तारे लटक रही है, तो उनको हम लोग टाइप कर देना चाहिए। फ्लोर पे भी हमें टेप से निशान बना देना चाहिए कि इस एरिया में क्रॉस कर सकते हैं, इस एरिया में नहीं जा सकते, इतना बीच में गैप रखना है, ये हमें उसी पे निशानों से टेप लगा सकते हैं, रेड कलर का टेप लगा सकते हैं, उससे हमें पता चल जाता है। और जैसे पेशेंट के कागज हैं हमें लेने पड़ते हैं या कुछ है, तो कोशिश करें कम से कम टच करें। अगर बाय द वे लेना पड़ जाए तो उसको प्लास्टिक के फोल्डर में ले ले, प्लास्टिक की जो फाइल होती है उसके अंदर रखवा ले, और उनको कम से कम टच करें। और जब पेशेंट चला जाए उसको आप स्लाइस कर सकते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से, फाइल कवर को दोबारा से कर सकते हैं, प्लास्टिक कवर इसमें बहुत अच्छे है। अपने हाथ कोशिश करें कम से कम ना लगाएं। कैश भी, जो कैश मनी है वो भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो कैश के रुपए पैसे हैं वो पता नहीं कितने हाथों में लगकर आते हैं, उनको कोई धोता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, नेचुरली रुपए को कोई नहीं धो सकता, तो हमें हम उसको टच कर रहे हैं, कई लोग थूक लगा के भी गिनते हैं, तो ये सब चीजें हमें बड़े ध्यान रखनी है। अगर हम उसको लेना पड़ रहा है तो हम ग्लव्स पहन के लें,
और अपने हाथों को फिर एक बार सैनिटाइज कर लें। अगर प्रिफरेबली आप कार्ड से या कोई और पेमेंट मोड जो है पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मोड बहुत सारे आ गए हैं उनसे लेते हैं तो और भी अच्छा है। प्लास्टिक फोटो का मैंने बता दिया, इसको 1% हाइपोक्लोराइड से या 70% हमारा जो अल्कोहल है उससे कर सकते हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हम लोग यूज करते हैं वो 70% या उससे अधिक स्ट्रांग होना चाहिए, उससे कम वाले इफेक्टिव नहीं होते। हैंड हाइजीन रखना बहुत बहुत जरूरी है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस हमने करनी है उसके बारे में भी आऊंगा, N5 मास्क क्योंकि ये डॉक्टर ज्यादा यूज कर रहे हैं, इस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि जो पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है और ये प्रॉबेबली अभी तक जितने मास्क है उसमें सबसे अच्छा है। और ये वाला मास्क रीयूज भी करा जा सकता है कुछ दिनों के बाद। तो इसमें जो रिकमेंडेड है कि अगर N5 मास्क यूज कर रहे हैं तो उसके आप डेज बना लें, एक ब्राउन कलर के, इसको ट्रांसपेरेंट उसमें नहीं रखना बल्कि ब्राउन कलर का पेपर जो हमारे खाकी पेपर आते हैं, एनवेलप्स आते हैं आमतौर पर केमिस्ट शॉप पे मिल जाते हैं, उस चीज में उसके अंदर रखना है इसको, और इसको हवा में पहले सुखाना है, उसके बाद उसको हम रोक उसके अंदर रख देते हैं, इसको 4-5 दिन बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। तो अगर आप नंबर डाल दें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो उसको सीरियल वाइज आप यूज करते रहे तो इसको 4-5 बार आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद डिस्कार्ड करना है। एक जो अभी सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि हम लोग जो डिस्कार्ड कर रहे हैं अपने पीपीई, लोग जो मास्क डिस्कार्ड कर रहे हैं वो पब्लिक प्लेसेस में कर देते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी मास्क डिस्कार्ड कर रहे हैं वो हमें येलो वाले बिन में डालने हैं, पीले वाला जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का जो बैग है उसके अंदर डालने हैं, और जो हमारे ग्लव्स हैं वो रेड कलर वाले उसमें जाते हैं। तो आपको अलग अलग ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कैसे यूज करनी है। फेस शील्ड और गॉगल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, फेस शील्ड आप खुद बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है अगर आप उसको देखना चाहें, नहीं तो रेडीमेड भी मिल सकती है। चश्मा पहनना भी बहुत जरूरी है, उससे क्या होता है कि आपकी आंखें बची रह सकती है। आप ये बताना चाहूंगा कि आप आंख के अस्पताल में काम कर रहे हैं तो आंखों से भी ये फैल सकता है, अगर कोई छींट आंख में पड़ जाए किसी मालिक पेशेंट की ऐसी जिसमें कोविड की संभावना है तो आंखों के जरिए भी आंख जा सकता है, तो हमें आंखें ढक के रखनी है। अगर आपकी आंखें कमजोर नहीं है तो भी कोई चश्मा लगा के रखे जिससे आंखें आपकी ढकी रहे, और बड़े साइज का हो तो बहुत ही अच्छा है। तो हमें जो डिस्पोजल में मैंने आपको बताया था कि जैसे 3-ply मास्क हमारे स्टाफ के लिए, हेड कैप्स हैं, पीपी सूट्स हैं, डिस्पोजेबल गाउन्स हैं, वो येलो वाले बिन में डालने हैं, ग्लव्स जो है रेड वाले बिन में डालने हैं। आपका जब आप काम से खत्म करके छुट्टी जा रहे हैं तब क्या करना है, तब आपको पीपी अपना जो है निकालना है, आपको जैसे मैंने बताया उसी उसको डिसइंफेक्ट करना भी जरूरी है, उस पर आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन आता है आप बाल्टी में डाल सकते हैं, इसको ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन को स्प्रे कर दें, फिर आप अपने जाए घर के कपड़े पहने, और जो कपड़े हॉस्पिटल के हैं उनको एक वॉशेबल बैग में रखना है जिसके अंदर आप डाल के ही सीधे वॉश कर सके, आपके फोन आईडी कार्ड हैं, स्पेक्टिकल है, की हैं, उनको दोबारा से सैनिटाइज कर लें। आप जब वर्क प्लेस को जाते हैं, घर पर जाते हैं तो, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको हॉस्पिटल में ही चाहिए होती है, बेटर होगा उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ दें, जैसे पेन है आपके, कोई और डायरी वगैरह है, कोई और चीज है जो आपको नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, उनको आप हॉस्पिटल में ही छोड़ दें, बार बार घर ले जाना ठीक नहीं है, जाने से पहले हाथ धो लें। आपका फोन वगैरह है उसको साथ रखें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप घर जाते हैं, ये सभी डॉक्टर्स के लिए भी है और सभी स्टाफ के लिए भी, तो आप पहले ही घर में फोन कर दें, उससे क्या होगा घर में आपके सारे दरवाजे खोल के रखेंगे, आपको जाते ही किसी दरवाजे को टच नहीं करना पड़ेगा। आप पैदल जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी आप सीधे अंदर जाके खड़ी करें, किसी भी दरवाजे को घर के टच ना करें। अपना जो है घर पहुंच के आपको चेंज करना है तो आपके फोन है, आईडी कार्ड है, चश्मा है, शूज है, इन सबको सैनिटाइज करना होता है। शूज वगैरह को आप धूप में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप जाए सिर से भात लें और जो कपड़े आपने बैग में रखे हैं उनको धुलने के लिए डाल दें, उनको धो लें। इसके अलावा जैसे अभी डॉक्टर नम्रता ने बताया कि प्रैक्टिस वेलनेस एक्टिविटी एवरी डे, आप कुछ योगा प्राणायाम बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बीमारी ज्यादातर लंग्स से जाती है और लंग्स में इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो अगर हमारे फेफड़े मजबूत हैं तो बहुत अच्छा होगा, तो प्राणायाम कर सके, योगा कर सके, ये बहुत ही सकारात्मक है कि हमें इन्फेक्शन होने से बचा पाए, इन्फेक्शन हो भी जाए तो उसका असर नहीं हो पाता। अभी डायलिटेशन के बाद डॉक्टर सतांशु माथुर ने बताई आपको उसमें कि उसको टच नहीं करना पेशेंट को, एक तो पेशेंट से कहें कि अपने पलक खींच के खुद ही डाल ले तो ज्यादातर पेशेंट खुद डाल सकते हैं, और अगर आप कॉमन ड्रॉप यूज करें, अवॉइड करें उसको, पेशेंट अपने लिए है तो अच्छा है, अगर आप कर रहे हैं तो ऊपर से ही डाल दें उसको, आपको टच ना करना पड़े।
अगर बहुत परेशानी हो ग्लव्स पहन के या बट के जरिए थोड़ा सा पुल करके उसके अंदर डाल दे और इसको आपको ग्लव्स को तो दोबारा सैनिटाइज कर ले और बट वगैरह को डिस्कार्ड कर दे, प्रॉपर उसमें ही करना है, इन सब चीजों को इधर उधर नहीं फेंकना आपने, इसको प्रॉपरली बायोमेडिकल उसमें डालना है। रिफ्रेक्शन के लिए अगर बहुत जरूरी है तभी करना है हमने, जनरल गाइडलाइंस जो है वो हमें फॉलो करनी है, कुछ हमें जैसे फेस कवर है मास्क है ये सब पहन के रखना है और हमें खुद दूरी बनाए रखनी है, एकदम उसके साथ नहीं खड़ा होना पेशेंट के। और एक हमें वहां पे क्या रखना है कि एक तो डिसइंफेक्टेंट, जैसे हमारा मान लीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है या सोडियम हाइपोक्लोराइड है, एक बॉटल में डाल के हम वहां पे रखें, कॉटन रखें, जब पेशेंट गया उसके बाद हमने उसको उस स्प्रिट से पूरे उसको फ्रेम को साफ कर लिया, और जो हमने लेंसेज यूज करे थे उनको पहले क्लीन करें तब वापस अंदर लगाए, आपस में मिक्स नहीं करना। तो ट्रायल फ्रेम, लेंसेज, फर्नीचर, ये सब जो है जहाँ पेशेंट बैठता है सबको स्टरलाइज करना जरूरी होता है। जो पेशेंट चेयर है उस पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करा जा सकता है, और जितने इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो अनयूज इंस्ट्रूमेंट है, टेबल टॉप्स है, कंप्यूटर है, क्योंकि वहां पेशेंट टच नहीं कर रहा, लेकिन वो भी 2-3 घंटे के बाद वहां पे स्प्रे करा दे, हर 2 घंटे के बाद कराएं तो बहुत अच्छा है। कॉन्टेक्ट लेंस की कोशिश है कि हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस इस पीरियड में ना करें, अगर बहुत जरूरी हो तो डिस्पोजेबल वाले यूज करें, रेगुलर कॉन्टेक्ट जो है हम लोग अवॉइड करें थोड़े से, और जो स्पेशलिटी कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं जैसे केराटोकोनस में है या आपको जीपी लेंस यूज करने पड़े हैं तो उनको 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड से हम लोग क्लीन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको उसमें डुबो के रखते हैं, उसके बाद नॉर्मल सलाइन से हम लोग उसको वॉश कर लेते हैं। जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको हमें ध्यान देना है, बड़ा सरफेस जो है उसको करना है, जो जहाँ पेशेंट बैठता है उस जगह को हम लोगों को अल्कोहल वाइप से यूज कर सकते हैं, जहाँ पेशेंट हमारे टच कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी मशीन से स्लिट लैंप है, कैरोटोमीटर है, ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर है, लेजर से हमारे रेटना वाले याग वाले ओसीटी मशीन से पेशेंट हेड रखता है टच करता है तो इस एरिए को स्पिट स्वाब से आप क्लीन कर लें। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ट है, इट शुड बी मोर देन 70% यानी अधिक कंसंट्रेट होना चाहिए, उससे हमें इसको कॉटन लेके क्लीन करना है, हर पेशेंट के बाद ये करना जरूरी है। और इसी तरह से ट्रायल फ्रेम को भी करना है, चिन डस्ट पे अगर पेपर लगा दें, नॉर्मली पेपर मिलते हैं दैट्स वेरी गुड, हर पेशेंट के बाद वो पेपर चेंज करना है हमें, और उसको कोशिश करें कि उल्टी साइड से पकड़े, फ्रंट जहां पेशेंट ने चिन रखा उस साइड से ना पकड़े। स्लिट लैंप के बीच में हम लोग एक बैरियर लगाते हैं प्लास्टिक का, उससे क्या होता है पेशेंट की सांस है, खांसी छींक है, उस बैरियर से रुक जाती है, तो ये आराम से फिट हो जाता है स्लिट लैंप के बीच में, जिससे हम लोग अपनी एक बैरियर बनाए रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे इक्विपमेंट है जैसे हमारे, उनका भी हमें बड़ा ध्यान रखना है, एप्लेनेशन टोनोमीटर क्योंकि ये आंख में टच करता है, पैकीमीटर प्रोब है ये भी आंख में टच करती है, ए स्कैन बी स्कैन इनकी प्रोब टच करती है, तो इसकी प्रोब को हम लोगों को स्पिट स्वाब से क्लीन करना है, हर पेशेंट के बाद क्लीन करना है, उसके बाद सफिशियंट टाइम देना कि वो ड्राई हो जाए, एकदम से यूज नहीं करना, तो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे गोनियोस्कोपिक लेंस है, याग लेंसेज है, क्योंकि उसमें लोग जेल करते हैं उसको भी क्लीन करना जरूरी है, तो इनको हमें ध्यान रखना है कि हर पेशेंट के बाद अल्कोहल का यूज हमें करना है और इनको क्लीन करना है। इसके अलावा हाउसकीपिंग आ जाती है, क्योंकि ओपीडी में हम काम कर रहे हैं तो हमें वहां का भी ध्यान रखना है, तो फ्लोर हमारे जितने हैं वो हाई रिस्क एरिया, उनको हमें क्लीन करना है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन बनता है उसको आप 1% पे डाइल्यूट कर लें और उसी से हमारा मॉपिंग कहते हैं जो, वो सारी सर्फेस होनी चाहिए, तो हर 2-3 घंटे बाद मॉपिंग होती रहे, जहां पे हमें लगता है ज्यादा रिस्क है, पेशेंट ज्यादा बैठते हैं या ज्यादा एरिया, उसको हम दिन में कम से कम 3 बार करें और बाकी एरिया को भी डीप क्लीन करते रहें। इसके अलावा जैसे डोर हैंडल्स हैं, साइड रेल से जब पेशेंट हाथ खड़े होते हैं, कई बार आपके जो रिसेप्शन काउंटर है वहीं ऊपर हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, ऐसे कई पेशेंट के जहां टच होते हैं हमारे भी टच होते हैं, उन सब जगहों को हमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन करना है। चेयर एंड वेटिंग एरिया जैसे जब पेशेंट पीछे हेड लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, उन सबको हमें एल्कोहल वगैरह से क्लीन करना है, जो मेटेलिक सर्फेसिस है, ऑल व्हील चेयर स्ट्रेचर्स ट्रॉली वगैरह भी हमें क्लीन करनी है, और फॉगिंग हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे हॉस्पिटल, जैसे हमारा होता है ओपीडी खत्म होता है उसके बाद हम लोग फॉगिंग कर सकते हैं, जब उस एरिया को यूज नहीं करना। ओपीडी में हमें करना क्या क्या है, सबसे पहले तो ये समरी एक तरह से है कि हमें हाथ वॉश करने हैं अपने, सबसे पहले मैं कोशिश हो वीडियो कंसल्टेशन हो जाए, पेशेंट अपनी कंप्लेंट्स पहले ही बता दे वीडियो पर, उसकी नोट हो जाए, उसके बाद पेशेंट हम लोग देखें, जिससे पेशेंट का और हमारा संपर्क कम से कम हो, जो जरूरी है उतना टाइम उसे देना है, पेशेंट को ये कहना है कि बातें ना करें वहां पे फालतू, और जो जरूरी चीज है उसे ही रखना है। दूसरा हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, दोनों जैसे पेशेंट हमारे बैठ रहे हैं बीच में लोग रेड टेप लगा सकते हैं चेयर्स पे कि वो गैप देके बैठे, सॉरी जिन चेयर्स पे रेड टेप लगा है उन पे नहीं बैठना, इस तरह से हम लोग एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं। हमारा स्टाफ जो क्लीनिंग स्टाफ है उसको हमें विशेष तौर से ट्रेन करना है कैसे फ्लोर क्लीन होगा,
कैसे हमारी चेयर्स फर्नीचर क्लीन होगा, कैसे हमारे दरवाजे खिड़की क्लीन होंगी, कैसे क्लास चीजें चेंज होंगी, वो सब बताना बहुत जरूरी है। पीपी का मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि पीपी ज्यादातर ये जो पीपी है डॉक्टर्स पहनते हैं, इसका एक स्पेशल प्रोटोकॉल है, इसमें पिक्चर में दिया हुआ है, पर ये स्पेशली एक सीरीज है जिसमें हमें फॉलो करना है। पहले ग्लव्स पहने फिर कैप पहने, इसका इसका पूरा पैटर्न बना हुआ है, हमें यूज करना है, पर मैं ओपीडी में इस चीज को कवर नहीं करूंगा। जो हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है उसको क्या करना है कि एक तो स्क्रब करना है, कैप पहननी है, मास्क पहनना है, मास्क जो है या तो 3-ply हो कम से कम, या N95 हो। जो जो बाजार में मास्क मिल रहे हैं ज्यादातर 2-ply है या वो कॉम्पिटेबल नहीं है, क्वालिटी पुअर है, वो मास्क हमें पूरी तरह से नहीं बचाते। चश्मे का मैंने आपको बताया, फेस शील्ड पहनने तो बहुत ही अच्छा, प्लास्टिक की फेस शील्ड अपने चश्मे में भी आप फिट कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी चीज में आराम से फिट करके खुद बना सकते हैं। हैंड हाइजीन बहुत ध्यान रखना है। आरोग्य सेतु का मैंने आपको बता दिया कि हमें बहुत केयर करनी है, हाथ वॉश कैसे करने हैं ये डॉक्टर माथुर ने आपको बताया था अभी, कि सब तरफ से क्लीन करना है उसको, ये नहीं कि हमने खाली बार बार लगाया और मलके धो लिए, आपको उंगलियों के बीच में करना है, अंगूठे को करना है, हथेली की बैक साइड करनी है, इन सब का आपने ध्यान रखना है। अच्छी तरह से मलेंगे, 30 सेकंड तक कम से कम मले, उसके बाद हाथ धोएं। तो आप ये जान लीजिए सबसे जो प्रभावी अभी तक आया है, जितने भी डिओडोरेंट ये सॉरी जितने भी हमारे सैनिटाइजर हैं सब कुछ है, लेकिन सोप और वाटर से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। सोप इसको अच्छी तरह से धो डालता है। तो अभी क्या नॉर्मल्स होंगे, एक टाइजिंग जो है, सभी स्टाफ को पूरा इसका पता होना चाहिए कि हमें कैसे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उसी हिसाब से करना है। अब एडहॉक कोई चीज नहीं करनी, एक सिस्टम बना के रखना है, उसी हिसाब से हमारे सारे स्टाफ को करना है, कैसे हमारे स्क्रब होना है, कैसे कैप पहने, मास्क पहने, फेस शील्ड पहनी है, और फिजिकल डिस्टेंस को बना के रखना है अभी। और आपने जैसे लंचेस वगैरह जैसे डॉक्टर अमृता बता रही थी आपको, कि आपस में शेयर नहीं करने, कोई चीज आपस में शेयर ना करें, और इवन आपके पेन है, स्लिपर है, वाटर बॉटल है, ये सब आपकी अलग होनी चाहिए, ये किसी से शेयर नहीं करनी। आपका चश्मा है, आपका जो फेस मास्क है, वो दूसरा पर्सन यूज नहीं कर सकता। अगर उस पर आप नाम लिख लें या कुछ करें, अगर आपको दोबारा यूज करते हैं तो उसमें नाम वगैरह लिखें, जिससे कि दूसरा पर्सन उसको यूज ना करे। और आपस में जितना हम लोग है दूर दूर से ही बात करनी है। इसके अलावा हॉस्पिटल में हमें कुछ अपना बैकअप टीम बना के रखनी होती है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाए, कोई छुट्टी हो जाए, तो हम लोग अल्टरनेट करके या उनको रोटेट करके हम लोग यूज करते हैं, तो इस रोटेशन से एक साइकिल टूटने का रहता है, तो हमारे लिए काफी सुविधा हो जाती है। जैसे ये चीज मैं कवर कर चुका हूँ कि हमारे जो फर्श वगैरह है उसको 0.1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से यूज करना है। अल्कोहल हमारे जितनी टेबल टॉप्स है, टेबल के ऊपर ग्लास पड़ा हुआ है और जो सर्फेसिस है उनके ऊपर हमें अल्कोहल यूज करना है। और कोई इक्विपमेंट जो यूज करने हैं उनके स्पेसिफिक इंडिकेशन भी है, वो आप जो इंस्ट्रक्शन उसकी मैनुअल के हिसाब से है वो फॉलो करनी है। अगर किसी स्टाफ को हो गया तो हम क्या करेंगे, तो इसमें बहुत बड़ा प्रोटोकॉल भी है, लेकिन मोटे तौर पे अगर हमारा कोई टर्न जिसको जैसे हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया या जिसको कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो हमें उसको अलग करना है, उसको टेस्ट करना है, क्वारंटीन करना है, लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। तो जिसको भी अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है स्टाफ को, इट्स नॉट कोविड, अगर मान लो फीवर हो गया, कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, तो कोई जरूरी नहीं उसको कोविड हो, लेकिन हमें सस्पेक्ट यही करना है कि कोविड हो सकता है, तो उसको हमें फॉरन इन्फॉर्म करना है। जो हमारा हॉस्पिटल का इंचार्ज है, डॉक्टर्स हैं, उनको फॉरन इन्फॉर्म करना है, हमारी अथॉरिटीज है उनको इन्फॉर्म करना है, उसको आइसोलेट करना है। इसको समराइज करते हैं। हाँ, और वो उसको हम लोग वहां से हटा के दूसरे लोगों की ड्यूटी लगाएंगे। बट दिस इज द लास्ट लाइन, हमें आइडेंटिफाई करना है उसके जितने क्लोज कॉन्टेक्ट है उनको दूर करना है, और एक हमें कंटिजेंसी प्लान बना के रखना है कि अगर हमारे किसी स्टाफ को ये प्रॉब्लम होती है तो हम कैसे कैसे इस चीज को करेंगे। हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन होता है, यानी एक संपर्क में आने के बाद 2 से 14 दिन के बीच में भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं कि अगले दिन ही हो जाए। सेकंड क्या है कि हमें ध्यान रखना है किस चीजों से ज्यादा फैलता है। एरोसोल से ये 3 घंटे में तक रहता है असर, प्लास्टिक और स्टेनलेस सरफेस पे ये 72 आवर्स यानी 3 दिन तक रह सकता है। कॉपर पे जल्दी खत्म होता है, लेकिन जो कार्डबोर्ड वगैरह हम लोग यूज करते हैं 24 घंटे रह सकता है, कपड़ों पे ये 8 घंटे रह सकता है। ट्रांसमिशन हमारा पर्सन टू पर्सन हो सकता है, ड्रॉपलेट हो सकता है, और इनडायरेक्ट स्प्रेड भी इसका हो सकता है। तो ये चीजें मैंने कोशिश करी है समराइज करने की, हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसके साथ ही थैंक यू, और आपके क्वेश्चंस इसमें अगर पूछना चाहे तो आप हम क्लिक करें। थैंक यू डॉक्टर विरोध, आप ये टॉपिक बहुत बड़ा है और ओपीडी की है सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग, क्योंकि ओटी अभी हम लोग ज्यादा कर भी नहीं रहे हैं। तो बट डॉक्टर भारती कश्यप,
मैडम वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग व्हाट डॉक्टर मेरोदा सेड? सबसे पहले तो मैं आपने जो इतना हिंदी में जो इतनी सुंदर चार राज्यों की वेबिनार की है उसके लिए डॉक्टर सताक्षी माथुर आपको और डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगी कि अब तो हम लोगों को इसी न्यू नॉर्मल के साथ जीना है। ये अभी हम लोगों ने एक वेबिनार की थी इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ, तो उन लोगों ने सबने कहा कि 2022 तक तो चलेगा। तो अभी तो सबसे जरूरी बात मुझे तो यही लग रही है कि अभी हम लोगों ने अपने स्टाफ को काफी ट्रेन किया है। होता क्या है कि स्टाफ को सेफ प्रैक्टिस पैटर्न हम बताते हैं, अगर कोई भी मरीज हम आते हैं तो सेफ प्रैक्टिस पैटर्न अगर हम फॉलो कर रहे हैं और अगर मरीज को लग रहा है कि हमारे अस्पताल का वातावरण सुरक्षित है तभी हमारे ओपीडी के मरीज ओटी पर कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज मरीज नहीं होंगे। और कई मरीज हमारे पास दूसरे अस्पतालों से आए हैं जिन्हें कि उन अस्पतालों का प्रैक्टिस पैटर्न सेफ नहीं लगा है। लेकिन इसमें मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि स्टाफ को चाहे वो आपका फ्रंट डेस्क का स्टाफ हो, फार्मेसी का हो, या पैरामेडिकल हो, या गार्ड हो, हेलो उसको कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है कि सेम प्रैक्टिस पैटर्न कई बार कुछ कुछ स्टाफ स्किप कर जाते हैं, वो फॉलो नहीं करते। तो इसके लिए जरूरी है कि हम फ्रीक्वेंट इंटरवल पे इसको कराएं, जैसा कि हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, एक ही बात को फ्रीक्वेंट इंटरवल में हम लोग करवाते हैं और क्वालिटी मैनेजर्स के हर 2 घंटे पे राउंड भी होते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कितना भी बता दीजिए कई बार क्वालिटी मैनेजर्स ने पाया है कि जो आपके पैरामेडिकल है वो वर्कअप कर रहे हैं और नाक के नीचे मास्क है, कभी देखते हैं कि उसने अपना ग्लव्स उतार दिया, कभी हमने ये देखा है कि हमारा जो रिसेप्शन है वो खुला एरिया है और हमारे फार्मेसी का भी खुला एरिया है, तो उसमें हमने देखा है कि वो फेस शील्ड लगाते हैं फिर उतार के रख देते हैं कि ये मैडम फॉगिंग होता है। तो उनको बार बार देखना जरूरी होता है कि वो प्रॉपर पीपीई वो अपना पहने, जिस एरिया के लिए जिस तरह का पीपीई डेजिग्नेटेड है वो पहने, कई बार वो पहनते हैं उतार देते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हम लोगों को हम लोग तो अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल को ऑन एंड ऑफ मोड में ही चीजों को चलाना होगा। जितने भी हमारे पेशेंट हैं उनको अगर हम फोन से अगर हम लोग उनको बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो वैसे स्थिति में कई बार जो जब हम ऑन मोड में जाते हैं तो मरीजों का फुटफॉल हॉस्पिटल में कम होता है, तो उससे और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ये बातें अच्छी होती हैं। और एक बात और है कि हम लोगों ने देखा है कि जो भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं वॉकिंग पेशेंट सुबह में आते हैं और जो अपॉइंटमेंट्स वाले होते हैं वो आफ्टरनून ज्यादा होते हैं, तो अपॉइंटमेंट्स वाले पेशेंट को यूजुअली हम लोग आफ्टरनून में कर देते हैं और वॉकिंग पेशेंट्स के लिए सुबह का समय छोड़ देते हैं। तो ये सब करके अब इसी न्यू नॉर्मल के साथ हम लोगों को जीना है। वंस अगेन दीपक मिश्रा थैंक यू एंड सताक्षी माथुर थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज डॉक्टर रणधीर झा। डॉक्टर रणधीर, डॉक्टर पुरेंदर, डॉक्टर पुरेंदर बसीन ग्वालियर से, यस आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसके ऊपर व्हाटएवर डॉक्टर विनोद अरोड़ा ने सेड और व्हाट ऑपरेशन यू आर डूइंग एट योर प्लेस? आई थिंक इट इज अ कंप्लीट इन इटसेल्फ व्हाट डॉक्टर विनोद हैज सेड, what Dr. Vinod has shared. What I would like to add is that we should, for the OT staff, we have to be very, very careful because they are OT assistants and the staff which they are working in OT. They have to OT, Purinder, we are going to cover the OT. After this talk, we are going to cover the OT. In OPD, you want to add anything more? No, I think it is a very comprehensive and very useful talk which has been given by Dr. Vinod. And I really appreciate this. And everything has been covered nicely. I think we should go ahead. Thank you, Dr. Satanshu. अब तक हम लोगों की डॉक्टरों की तो बहुत मीटिंग हो गई थी, लेकिन हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो कि इस समय हमारे साथ है और जिनकी हमें जरूरत भी है इस समय और जिनकी अवेयरनेस की, जिनकी जानकारी होने की, उनकी हमसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम लोग पेशेंट को जितना डील करते हैं उससे हर समय पेशेंट उनके साथ रहता है, इसलिए स्पेशल वेबिनार ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि स्टाफ हमारा इस चीज को सीरियसली देख सके। अब रणधीर झा को इनवाइट कर लेते हैं। डॉक्टर रणधीर झा प्लीज, ही इज टेकिंग केयर ऑफ द ओटी। डॉक्टर रणधीर झा अपना स्क्रीन शेयर करें। डॉक्टर रणधीर झा, रणधीर झा इज नर्स सुरेश, यस डॉक्टर रणधीर झा, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू ओपीडी?
आई थिंक डॉक्टर विनोद ने काफी डिटेल में जानकारी दी. एक चीज में जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि आफ्टर सीइंग एवरी केस वी क्लीन, हम लोग हर पेशेंट देखने के बाद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से जो चेयर होती है उसको क्लीन करवाते हैं, जिससे कि प्रॉपर तरीके से एवरी आफ्टर सीइंग एवरी केस वी जस्ट एंश्योर दैट द क्लीनिंग इज डन प्रॉपरली. डॉक्टर विभूति भूषण, या यू वांट टू ऐड एनीथिंग? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है. मैंने जो अपने यहाँ फेस किया है वो सबसे ओपीडी में जहाँ तक सवाल है वो रिसेप्शन डेस्क पे ही सबसे बड़ा इशू होता है कि पेशेंट्स वहीं पे सबसे ज़्यादा आकर पहले जमा होते हैं और उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जो समय से पहले पेशेंट्स आ गए हैं उनको कैसे वो इस बात को समझाएं कि आपका जब नंबर आएगा तब आपको अंदर आना है, तब आपको आकर बैठना है, आपको तभी जगह मिल पाएगी. और अक्सर ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि कई बार पेशेंट्स जरूरत से ज्यादा जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमने टाइम स्लॉट दे करके उन लोगों को अपॉइंटमेंट दे रखा है, वो पहले आ गए हैं और उनको ये समझाने में उनको काफी दिक्कत आती है. तो इसके लिए एक उनसे हमेशा बात करते रहने की और उनको ये समझाने की बहुत जरूरत होती है कि पेशेंस रखें और मरीजों से उतनी ही ये से बात करें, उतने अच्छे तरीके से बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि उनकी सावधानी के लिए ही ये चीज की जा रही है. और ये एक चीज है जो कि मुझे लगा कि जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ये तकलीफ हो रही थी, पर इसके लिए लगातार रिसेप्शन डेस्क पे लोगों से बात करते रहने पे ही उनको ये उनमें भी ये कॉन्फिडेंस आता है और वो फिर उतने कन्विक्शन के साथ पेशेंट से भी बात कर पाते हैं. थैंक यू सर. नाउ डॉक्टर रणधीर जी प्लीज टेक योर टॉक. डॉक्टर रणधीर most kindly check Dr. Ardhir Vyas. Dr. Ardhir, unmute Dr. Ranbir. Dr. Ardhir, unmute yourself. Most kindly check Dr. Ardhir Vyas. कोई भी अपने को अनम्यूट नहीं करो क्योंकि म्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है इस समय. सब आपको अनम्यूट रखो अपने को. रणधीर होस्ट कैन यू अनम्यूट रणधीर? उनके स्लाइड्स तो आ रहे हैं. होस्ट अनम्यूट डॉक्टर रणधीर. तो दीपा वी कैन टेक टॉक ऑफ डॉक्टर सुरेश पहले फर्स्ट देन वी कैन टेक द टॉक ऑफ रणधीर. डॉक्टर रणधीर आई हैव टू गो समवेयर सर. But he is not able to call you. Doctor, most kindly unmute Doctor Ardhir. I am giving call. Just giving call. Host saying he is no control. You have to do yourself. Hello. Okay. I have done it. Yes. Hello. Yes, Ardhir, you share your slide. Yeah, is it okay? Yeah, okay. You share your slide. Okay, it's clear. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, क्लियर है, क्लियर है. हेलो हेलो, क्लियर है? हेलो हेलो, वी कैन हियर यू. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. सबसे पहले एसएसटी की टीम और मैं
मुझे जो टॉपिक दिया गया वो है कि पेशेंट्स का ऑपरेशन थिएटर में किस तरह से किया गया है। हम लोगों को सबको समझना चाहिए कि पिछले कुछ महीनों से हम लोग बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं और हम लोग आपको स्ट्रेस सब फील कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में समझना होगा कि हमें अपने नॉर्मल साथ जिंदगी को जीना है, क्योंकि सभी समय ऐसे आने वाला है जिस समय कोविड आप हेडफोन निकाल के लैपटॉप स्पीकर से कोविड पॉजिटिव है, मतलब जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट। हेडफोन निकाल दीजिए, आवाज बहुत क्रैक कर रही है। हम सुन सकते हैं आपको डॉक्टर रणधीर, आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही है, आप अगर ईयरफोन निकाल दीजिए और हेडफोन निकाल दीजिए। नहीं, आवाज अभी भी साफ नहीं आ रही है, क्रैक कर रहा है। थोड़ा लैपटॉप के पास आके बोलिए, अपने कोई और डिवाइस जी पर उसे मोस्ट काइंडली दीपक, वी कैन हैव टू ट्रस्ट दिस टॉक एंड देन यू टॉक टू हिम ऑन फोर सो दैट ही कैन एडजस्ट हिज वॉइस। ये प्रॉब्लम नेट कनेक्शन की लग रही है, ये स्पीक हेडफोन्स की प्रॉब्लम नहीं है। पिक्चर क्लियर आ रही है, पिक्चर क्लियर आ रही है बट वॉइस नहीं आ रही है। दीपक, वी कैन गो टू डॉक्टर सुरेश टॉक टू टॉक टू हिम, ही कैन स्पीक लेटर। ओके डॉक्टर रणदीप, हेलो, यू प्लीज अनशेयर योर स्क्रीन, यू अनशेयर योर स्क्रीन। हेलो, आवाज आ गई क्या रणदीप? यू प्लीज अनशेयर योर स्क्रीन, यू जस्ट चेक योर नेट फर्स्ट। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सतांशु माथुर और डॉक्टर दीपक मिश्रा का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने आज इस COVID-19 के समय आई प्रैक्टिस से इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आप सभी के बीच मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि हम जानते हैं COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस इस सभी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी है। अभी बचाव ही एकमात्र उपचार है। अभी हम सभी चिकित्सा जगत, समूचा चिकित्सा जगत वैक्सीन और इसके सूटेबल उपचार के लिए शोध कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जागरूकता के माध्यम से, हम उचित सावधानी के माध्यम से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने मरीजों का बचाव कर सकते हैं और साथ ही साथ देश को भी इस समय जागरूकता बढ़ाते हुए कोरोना से हराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। राजस्थान ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा पिछले कुछ दिनों विशेष रूप से कुछ इंस्ट्रक्शन तैयार किए गए थे जो हम लोग सभी लोग अपने हमारे क्लिनिक में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ रोगियों को विशेष निर्देश दे रहे हैं। इन निर्देशों के बारे में आपको पिछले स्पीकर्स ने बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी भारतीय जो सिनारियो है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये मास्क लगाना और मास्क लगा के बात करना, ये एक तरह का पहली बार लाइफ में रोगियों को इस तरह के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए कई सारी चीजें हमें देखने को आती है कि जब मरीज पास आता है तो वो जैसे बोलना शुरू करता है तो मास्क हटा लेता है, या फिर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो रुमाल बांध के आ जाते हैं। तो हमें जागरूक करने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जागरूक करें।
अपने रोगियों को जागरूक करें, अपने स्टाफ को जागरूक करें और साथ ही साथ हम चेकिंग करते रहें, जिस प्रकार से डॉक्टर कश्यप ने बताया कि चेकिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो प्रॉपर पॉलिसी सेफ्टी मेजर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोविड वैश्विक महामारी अपने समय की एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। इस समय पैरामेडिकल स्टाफ का, एंसिलरी स्टाफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी यूनाइटेड होकर, अपडेटेड होकर, नॉलेज के माध्यम से इस महामारी से, इस वैश्विक महामारी से लड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपना बचाव, अपने मरीजों का बचाव और समूची अस्पताल का बचाव कर सकते हैं। तो दिस इज राइट टाइम टू स्टे यूनाइटेड एंड स्टे अपडेटेड। जैसे कि पहले स्पीकर्स बता चुके हैं, ये कोविड 19 एक टिकिंग टाइम बम है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हर दिन हम समाचार पत्र पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कोविड 19 के केसेस पूरे विश्व भर में बढ़ते जा रहे हैं। दिसंबर में चाइना के वुहान शहर से ये निकला वायरस आज विश्व के 210 देशों को से अधिक देशों को अपने चपेट में ले चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे इस वायरस के जो विसल ब्लोअर थे डॉक्टर ली वुलियांग, वो एक आई सर्जन थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सबसे पहले इस वायरस के बारे में, इस बीमारी के बारे में आगाह किया था। और दुर्भाग्यवश जनवरी 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। और इसके साथ ही साथ ये वायरस चाइना के वुहान शहर से होता हुआ दुनिया के 210 देशों से अधिक पहुंच चुका है। तो पैरामेडिकल स्टाफ के मस्तिष्क संवारते रहते हैं, क्या रिस्क हो सकता है, कब तक ये पेंडेमिक लास्ट, ये सब मास्क लगाने होंगे, हम लोग किस तरह हम अपने बचाव करेंगे, किस तरह से अपने मुंह का बचाव कर सकते हैं, अवेलेबल होगी, इस तरह के अनेकों सवाल हमारे मस्तिष्क में उठते हैं। डेली हम इस तरह के सवालों का आंसर खोजने करते रहते, मैसेज पढ़ते। तो इस बचने के लिए जो स्लाइड में रखा है उसका नाम है कोरोना वायरस, और ये टूल के लिए कुछ डॉक्टर के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जरूरी हो सकते हैं। तो सी स्टैंड ऑन योर एक्सपेंसेस, क्योंकि हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, इसलिए इस समय हमें नया कुछ खर्च नहीं करें, अपने कटौती करें। ओवर कम्युनिकेशन, हम आपस में, आपस में अपनी टीम के साथ क्लियर कम्युनिकेट करें, ओवर कम्युनिकेट करें उनको, इसके बाद में साथ साथ हम रिव्यू सेफ्टी प्रोटोकॉल फाइनेंसेस एंड मेक रियलिस्टिक प्लान, हम साथ ही साथ हम हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को रिव्यू करें और उसके साथ साथ नए इक्विपमेंट, नई चीजों को नहीं स्टार्ट, अरेंज टूल्स एंड किट्स टू स्टॉप कोविड 19, मास्क, पीपी किट बहुत जरूरी, जैसा कि पिछले स्पीकर ने बताया है। वर्चुअल कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पिछले स्पीकर ने बताया है कि व्हाट्सएप कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस समय जो मरीज 60 साल से अधिक है, जिनको डायबिटीज या हाइपरटेंशन नामक रोग है, वो यदि अस्पताल में नहीं आए, उनकी छोटी मोटी खुजली पानी की समस्या है, तो उस समस्या को हम वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से उनको प्रिस्क्राइब कर दवाई दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ही अपडेट योरसेल्फ एंड एंटायर टीम एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और अभी हम भी पोस्ट लॉकडाउन के समय के बीच गुजर रहे हैं, इस समय सावधानी रखना और जरूरी है कि लॉकडाउन हटता जा रहा है, मतलब ये नहीं कि वायरस विदा हो चुका है, हमें सहने के माध्यम से इसके ऊपर विदा कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं। एक एक्रोनिम है जिसका नाम है स्क्रीन, स्क्रीन से हम याद रख सकते हैं कि किस तरह की चीजें हमें याद रखनी है। एस स्टैंड फॉर सैनिटाइज योर हैंड, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये, 20 सेकंड से अधिक अपने हाथों को साबुन से धोएं, वो सबसे अच्छी चीज है, साबुन से अच्छी तरह से हम हाथ को धोएं। सी स्टैंड फॉर कंसेंट, जब भी कोई मरीज आता है क्लिनिक में तो इंश्योर करें कि कंसेंट, हमने प्रॉपर तरीके से कंसेंट ली हुई है उस मरीज की। रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द अटेंडेंट, जिस प्रकार से पिछले स्पीकर ने बताया कि एक से अधिक अटेंडेंट नहीं हो, चाहे अटेंडेंट हो, अदरवाइज जो मरीज है वो खुद ही दिखाने के लिए आए, काउंटर पर रिसेप्शन भीड़ नहीं लगे। और एग्जामिनेशन टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, सिटलेम एग्जामिनेशन सभी
एंड एन स्टैंड फॉर नो कैश एंड एनकरेज डिजिटल पेमेंट. और स्टाफ का रोल बहुत है सब मेजर्स के लिए, स्टाफ को भी ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे एस फॉर सैनिटाइज योर हैंड, वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली, थर्मल स्क्रीनिंग आप डेली अपना चेक करें कि आपको बुखार है खांसी तो नहीं हो रही है. अवॉइड ड्यूटी इफ यू हैव फीवर, यदि आपको बुखार आया हुआ है खांसी हो रही है तो आप इन्फॉर्म करें अपनी हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करें और ड्यूटी पर नहीं आए. फॉलो एफ स्टैंड टू फॉलो ऑल प्रिकॉशंस एंड टेक फुल ट्रेनिंग एंड टेक फुल प्रिकॉशंस. इस वैश्विक महामारी के दौर पे भी है हमारी की इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो हमें हम सबको हम सावधानी पूर्वक फॉलो करें, और यदि कोई हमारा जो वर्कर्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें उसको समझाएं कि इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. फेस मास्क का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार पिछले स्पीकर्स ने बताया कि हमें प्रॉपर मास्क लेना है, उस मास्क को अच्छी तरह से संभाल के 2, 3, 4, 5 नंबरिंग करके रखना है, जिससे कि हम एक मास्क को बार बार अगले दिन उससे मास्क को यूज नहीं करें. तो ये सब चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, और इसको हमें प्रॉपर तरीके से हम जब इसको स्टार्ट करेंगे तभी हमारी हैबिट्स आए होगी इसको करने की. कंसेंट यानी सहमति पत्र, COVID-19 में जब भी आप कोई मरीज आता है तो उसको प्रॉपर तरीके से बताकर उसकी हिंदी लैंग्वेज में या जो भी लैंग्वेज में मरीज कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में सहमति लेना बहुत जरूरी है. वो सहमति पत्र प्रॉपर तरीके से बना हुआ हो और वो प्रॉपर तरीके से मरीज द्वारा साइन किया गया आवश्यक है. और ये आपका एक ड्यूटी होती है, वो एक चेक करें कि मरीज ने सहमति पत्र पढ़ लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है, समझ के साइन कर दिया है, क्योंकि यह सहमति पत्र ओपीडी के लिए और ऑपरेशन वाले मरीजों के लिए साइन करना बहुत जरूरी है. अब आते हैं कि ऑपरेशन मरीजों की किस तरह से फॉलोअप के जो केस आते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है. जो कैटरेक्ट केस किए जाते हैं ऑपरेशन, हमारे हॉस्पिटल में जो रूटीन कैटरेक्ट सर्जरी के लिए अगले दिन उनको आजकल नहीं आए, हमारी टीम उसको कॉल कर लेती है, कॉल करने के बाद पूछ लेती है कि सब कुछ ठीक है, और यदि सब कुछ ठीक है तो 7 दिन के बाद हम वहाँ फर्स्ट विजिट होती है, और 7 दिन के उसके बाद तीसरे चौथे हफ्ते में सेकेंड विजिट होती है, और उस समय हम रिफ्लेक्शन और प्रिस्क्रिप्शन ग्लास दे देते हैं. क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है तो ज्यादा. इस समय ऑनलाइन कंसल्टेशन वीडियो टेली ऑप्थेल्मोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है. वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से आप जो मरीज हाई रिस्क ग्रुप वाले मरीज हैं जैसे 60 साल से या डायबिटीज, उनको आप घर बैठे सलाह दे सकते हैं, और खुजली पानी वाले मरीजों को दवाई सजेस्ट कर सकते हैं. ऑपरेशन थिएटर में जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसके लिए कि आप सभी मिले तो सेफ्टी किट पीपीई किट जो भी जिस प्रकार से हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने आप गाइड किया हुआ है उसको फॉलो करें. और दो केसेस के बीच में जिस प्रकार से ऑप्थेल्मोलॉजी क्या एक हाई वॉल्यूम ब्रांच है, इसमें कई बार क्या होता है कि 2, 2, 3, 3 टेबल लगी होती है, तो हमें अपने आप को यू नो वी हैव टू गेट यूज टू न्यू नॉर्मल, हमें अपने माइंड को सेट करना होगा. इस एक केस करने के बाद 10 या 20 मिनट का गैप लें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से ओटी की टेबल को साफ करें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड से, उसके बाद ही नेक्स्ट पेशेंट को कुछ समय के बाद कुछ गैप के बाद ही अंदर लें, और ये अंदर भी क्राउडिंग नहीं करें पेशेंट और जब जा रहा है या पेशेंट को अंदर लेके आ रहे हैं तो एक लिमिटेड नंबर ओटी के अंदर रहे जिससे क्राउडिंग नहीं हो और फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए. तो सारांश में समरी में मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि COVID-19 ह्यूमन काइंड का एक वर्स्ट क्राइसिस है. ये एक वैश्विक महामारी है जिससे कई सारे व्यक्ति असमय मृत्यु के शिकार हो चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें COVID-19 के साथ ही जीना होगा, उसी के साथ हमें अपने आप को अभ्यस्त करना होगा जिससे कि हम इस महामारी से सेफ तरीके से निपट सकें. साथ ही साथ हमें समाज के अंदर जागरूकता होगी, हमें एक टीम लीडर की तरह काम करना होगा, क्योंकि जो भी गाइडलाइंस हॉस्पिटल के द्वारा हमें दी गई हैं उन गाइडलाइंस को हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, और साथ ही साथ हम मरीजों से कम बात करें, उनको ये इंश्योर करें कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको हम बताएं कि हम आपसे टेलीफोनिकली हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देंगे. यदि कोई मरीज बहुत सारे कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसको टेलीफोनिकली आप समझा दें, टेलीफोन से बात कर लें उससे,
जिससे कि उस मरीज की को संतुष्टि भी मिल सके और साथ ही साथ का समाधान भी हो सके। तो हमको मिलकर ही इस महामारी से, इस वैश्विक महामारी से हम सेफ तरीके से लड़ सकते हैं, निपट सकते हैं। और इसके अंदर आपको अपना रोल, जो आपका रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस रोल को, महत्वपूर्ण रोल को आपको अदा करना होगा। और इस इसके साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल जो है वो भी अभी बहुत ही गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है हॉस्पिटल के साथ, आपको हॉस्पिटल करना होगा। इक्विपमेंट के बारे में जैसा पता है, इनके मेडिकल शॉप में दवाइयां होती है, तो आप ये भी उनको जांच लें कि कहीं कोई दवाई एक्सपायर तो नहीं हो रही है, या कोई लेंस एक्सपायर तो नहीं हो रहा है, किसी मशीन की यदि सीएमसी एक्सपायर हो रही है या मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको उसको समय रहते हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बता दें। इसके साथ ही साथ जब आप सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे करते हैं तो ध्यान रखें ये मशीन के अंदर स्प्रे की बूंदें नहीं जाए। कई बार क्या होता है कि मशीन को प्रॉपर कवर किए बिना ही स्टाफ स्प्रे कर देते हैं, जिससे जिससे मशीन के ऑप्टिक्स खराब हो सकते हैं। तो इस कोविड 19 महामारी, वैश्विक महामारी के समय स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट को मिलकर सबके सहयोग से अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करनी होगी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की सेफ्टी, डॉक्टर्स की सेफ्टी, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण मरीज की सेफ्टी सुनिश्चित करनी होगी। मैं पुनश्च आज की जो इम्पोर्टेंट वेबिनार है उसके लिए मैं डॉक्टर माथुर, डॉक्टर दीपक मिश्रा का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही साथ एंड्रोड फार्मा का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार के माध्यम से आप सबसे होने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने सारी चीजें बताई, और सबसे अच्छा रहा जो आपने इक्विपमेंट्स के बारे में बताया, क्योंकि इक्विपमेंट्स का जनरली हम लोग ध्यान से उतर जाता है, भूल जाता है कैसे करते हैं। डॉक्टर अर्धीर झा, डॉक्टर अर्धीर बॉस काइंडली शेयर योर स्क्रीन। डॉक्टर अर्धीर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सर विवेक तिवारी हियर। हाँ विवेक, सर रणधीर सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ उनका इम्पोर्टेंट काम आ गया सर। अच्छा, तब तक हम लोग हमारे झारखंड के स्पीकर हैं डॉक्टर विभूति कश्यप, हम उनसे कहेंगे वो अपना रेटिना प्रैक्टिस के बारे में, कोविड में कैसे करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर विभूति कश्यप। यस सर, am I audible? Yes. गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर विभूति कश्यप है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर सतांशु माथुर सर का, डॉक्टर मिश्रा सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर बोलने का इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। तो आज मैं बात करूंगा कि हम अपने रेटिना प्रैक्टिस को कोविड कंपैटिबल कैसे बना सकते हैं। तो कुछ पहलू हैं जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है, वो है कि अपने रेटिना पेशेंट्स का एग्जामिनेशन कैसे करना है, अपने रेटिना पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशंस में इमेजिंग कैसे करनी है, ट्रीटमेंट में लेजर के कुछ पहलू जिसको हमें ध्यान देने की जरूरत है, इंट्रावेंट्रल इंजेक्शंस में किन पहलुओं पे चेंजेस आएंगे, सर्जरी में क्या बदलाव करने चाहिए, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी जो एक बर्निंग टॉपिक है, एक इमरजेंसी है बच्चों में, उसको डील करने में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं इसके लिए, और हमारे यूवेटिस के पेशेंट्स, बिकॉज वो सारे पेशेंट्स यूजुअली इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं इधर लोकली और सिस्टमिकली। तो जैसा कि ओपीडी के बारे में पहले डिस्कस कर लिया गया है, उसके अलावा मेरी तरफ से सिर्फ यही है कि हमारे रेटिना पेशेंट्स को हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो घर से ही अपना डायलिटेशन कर आए, या फिर अगर वो अस्पताल में आते हैं तो उनका नॉन टच डायलिटेशन होना चाहिए, जिसमें या तो पेशेंट खुद से या फिर हम कॉटन टिप एप्लीकेटर की सहायता से लिड रिट्रैक्ट करके उनको डायलेट करें। पर पेशेंट उनका एक इंडिविजुअल ड्रॉप होना चाहिए जो यूज करके थ्रो कर देना चाहिए, पेशेंट उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। जो लेंसेज हम यूज करें उनमें हम क्लिंग फिल्म या प्लास्टिक रैप्स लगा सकते हैं, ताकि जब उसको सैनिटाइज करें तो उनके सर्फेसिस पे कुछ डैमेज ना हो, कुछ एबरेशंस ना आए। जितना पॉसिबल है स्लिट लैम्प पे एंड अदरवाइज नॉन कॉन्टैक्ट मेथड्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट लेंसेज का हम यूज करें एग्जामिनेशन के लिए।
जैसे कि डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी का एग्जामिनेशन हम छोड़ सकते हैं और स्लिट लैंप पे जब हम एग्जामिनेशन करें तो 78D का यूज एडवाइजेबल है. ऑफ कोर्स ओपीडी में पीपीई के यूज को ओवर एम्फसाइज नहीं किया जा सकता, तो पीपीई पहनना बहुत जरूरी है जिसके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है. आफ्टर एवरी पेशेंट वी मस्ट हम लोगों को जो लेंसेज हैं उसको और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको रिपीटेडली स्टेरिलाइज करना चाहिए. जब हम पेशेंट्स देखें तो पेशेंट्स के मास्क का जो अपर बॉर्डर है उसको अगर हम एक एडहेसिव से चिपका कर रखें तो जो एक्सहेल्ड एयर है वो हमारे हाथों पर नहीं आएगा एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो उससे संक्रमण का खतरा थोड़ा सा घट सकता है. स्टेरल डिप्रेसर्स जो यूजुअली हम लोग रेटिना एग्जामिनेशन में यूज करते हैं ओपीडी में पेरिफेरी चेक करने के लिए, तो उसके जगह पर हम लोग कॉटन टिप एप्लीकेटर को यूज कर सकते हैं जिसको यूज करके थ्रो कर सके. अदरवाइज हमें बहुत सारे सेट्स बनाने पड़ेंगे जो थोड़ा सा फाइनेंशियली हैवी हो जाएगा. कुछ इस तरह से मैंने अपने इंजरेट ऑफ्थल्मोस्कोपी पे शील्ड लगाया है एग्जामिनेशन करने के लिए और स्लिट लैंप पे. जो टेक्निक में यूज करता था लॉकडाउन के दौरान पेशेंट्स का एग्जामिनेशन करने आज भी करता हूँ वो नॉन वर्बल नॉन टच जस्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड टेक्निक फॉर डायरेक्शन ऑफ गेजेस, जिससे मैं अपने हाथों से ही ट्रीट करता था पेशेंट्स को और पेशेंट्स को मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर ये सारे प्रिकॉशंस हम लें तो आज भी मैं समझता हूँ कि इमेजिंग से ऊपर है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का महत्व, बिकॉज इमेजिंग में बहुत सारे डिटेल्स छूट जाते हैं. अगर तो भी इमेजिंग की जरूरत पड़ी तो जो नॉन कॉन्टैक्ट इमेजिंग है और नॉन इन्वेजिव इमेजिंग है जैसे ओसीटी हो गया या ओसीटी एंजियोग्राफी हो गया उसका यूज ज्यादा एडवाइजेबल है रादर देन कुछ इन्वेजिव टेस्ट लाइक फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी या ICG. जांच के दौरान जो भी चीजें मरीज के कॉन्टैक्ट में आती हैं उनका हर मरीज के पास स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड प्रोब्स, अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी के प्रोब्स वगैरह. जितने भी मेडिकल रेटिना के केसेस हैं उनको ट्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें. कुछ प्रोसीजर्स जो इमरजेंसी हैं जैसे कि हॉर्स शू टेस्ट का बराज लेजर जरूरी है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में लेजर बहुत जरूरी है, इंट्राविट्रल इंजेक्शन पॉलीपोर्टल क्लॉटल वैस्कुलोपैथी के लिए ये जरूरी है. सो इन सारे पेशेंट्स को जैसे आरओपी स्क्रीनिंग ये बहुत जरूरी है. सो इन पेशेंट्स को हमें ट्रायज बेसिस पे सबसे पहले देखना चाहिए. हाँ, जो स्टेबल पेशेंट्स हैं जैसे स्टेबल मैक्युलर एडिमा हो गया या स्टेबल CSR हो गया, स्टेबल लेजर डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया या फिर कुछ स्क्रीनिंग्स हो गए, उन सबको हम थोड़ी दिनों के लिए टाल भी सकते हैं तो कुछ डैमेज नहीं होगा. ट्रीटमेंट के टाइम पे लेजर के ऊपर प्रेफर्ड होता है इंजेक्शंस, बिकॉज उसमें कॉन्टैक्ट टाइम नहीं है. तो जो लॉन्गर एक्टिंग एंटीवेजर्स हैं उनका यूज ज्यादा प्रेफरेबल है रादर देन शॉर्टर एक्टिंग एंटीवेजर्स. और अगर तो भी लेजर की रिक्वायरमेंट है तो जो नॉन कॉन्टैक्ट लेजर सिस्टम जैसे कि लेजर इंडोफ्थल्मोस्कोपी उसका यूज कॉन्टैक्ट सिस्टम से ज्यादा प्राथमिकता लेने वाला है. अगर तो भी हमें कॉन्टैक्ट यूज करने की जरूरत है तो कोशिश करें कि मल्टी स्पॉट लेजर को यूज करें जिससे कॉन्टैक्ट टाइम हम घटा सकें. जैसे मैंने बताया लेंसेज के लिए क्लिंग फिल्म यूज करेंगे और रेगुलर स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है. टॉपिकल एनेस्थेटिक एज डिस्कस्ड बिफोर इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए इंडिविजुअल होना चाहिए. इंजेक्शंस के दौरान जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं हम यूजुअली वही प्रिकॉशंस लेंगे आगे भी, बस कुछ चेंजेस हैं जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं 95 मास्क पहनना चाहिए और जो पेशेंट्स हैं उनको 3-ply मास्क इज सफिशिएंट. पहले की तरह हम इंजेक्शंस को अगर प्रीलोड ना करें तो वो बेहतर होगा, संक्रमण का खतरा घटेगा. फर्स्ट डे फॉलोअप हम टेलीफोनिक कर सकते हैं जैसा कि सुरेश सर ने भी बताया, और जो फॉलोअप का ड्यूरेशन है वो हम लोग यूजुअल से लंबा रख सकते हैं. बच्चों के मामलों में अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है तो हम इन चीजों को डिले कर सकते हैं, और अगर बहुत इमरजेंसी है तो ऑफकोर्स उनको टेकअप तो करना पड़ेगा. तो जो प्रोटोकॉल आजकल कोविड टाइम्स में चलता है कि पहले बच्चा अंदर जाता है, फिर एनेस्थेटिस्ट उनको इंट्यूबेट करते हैं, फिर 10 मिनट के बाद डॉक्टर्स अंदर जाते हैं, हम भी सेम प्रोटोकॉल ऑब्जर्व कर सकते हैं. इंडियन आरओपी सोसाइटी ने कुछ गाइडलाइंस निकाले जिसमें हम पहले के मुकाबले अब कुछ और डिले करना अफोर्ड कर सकते हैं. जैसे आरओपी में प्री प्लस डिजीजेस जो होते हैं उसमें हम लोग बच्चे को देखने के लिए एक हफ्ते और ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं, या फिर जो जोन 2 के एंटीरियर केसेस हैं या फिर जोन 3 केसेस हैं उनको भी हम थोड़ा और लंबा ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है उसमें. जहां तक रही सर्जरी की बात, स्टेज 4A और 4B आरओपी एक इमिनेंट इमरजेंसी है बिकॉज फोविल इन्वॉल्वमेंट का खतरा बना रहता है उसमें, तो उनको ऑपरेट करना इमरजेंसी है. बट स्टेज 5 जहां पर फोवी ऑलरेडी उठ चुका है और टोटल डिटैचमेंट हो चुका है, उन केसेस को हम चाहें तो उसको डिले कर सकते हैं.
सर्जरी में भी जैसे मेडिकल घटना में हमने कैटेगराइज किया, सर्जरी में भी हमें कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है। जो इमरजेंसी सर्जरीज है उसको अर्लीस्ट पॉसिबल करना है और ट्रायल में सबसे पहले आते हैं। वो कौन से केसेस हो गए, जैसे एक्यूट डिटैचमेंट्स हो गए जो 15 डेज के अंदर वाले हैं, ओपन ग्लोब इंजुरीज हो गई, फॉरन बॉडीज हो गई, एंडोथेलमाइटिस हो गया, विट्रस हेमरेज हो गया, ड्रॉप न्यूक्लियस हो गया, या फिर एक्वस मिसडायरेक्शन हो गया जिसमें विट्रेक्टोमी जरूरी होती है, ये सारे केसेस को प्राथमिकता देनी चाहिए। इलेक्टिव सर्जरीज जिसको अगर हम इमीडिएटली ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, उनको हम डिले कर सकते हैं, जैसे एपिरेटिनल मेम्ब्रेन्स का रिमूवल, जैसे सेकेंडरी आईएल बाइसिपेरल फिक्सेशन, जैसे सिम्टोमैटिक विट्रस ओपेसिटीज, ये सब हम डिले कर सकते हैं, डिले करना भी चाहिए इस टाइम पे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो जरूरी है उनको कैटर करना चाहिए इस टाइम पे। यूजुअली सर्जरी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास विकल्प बहुत सारे हैं लेकिन हमें प्राथमिकता किस चीज को देनी चाहिए। तो अगर डिटैचमेंट सर्जरीज होती हैं तो ऑफ कोर्स जहां पर जो सूटेबल है हमें तो अप्रोच वही करना पड़ेगा, बट जहां पर विट्रेक्टमी और बकल दोनों पॉसिबल है वहां पर ज्यादा करके हमें विट्रेक्टमी को चूज करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो एक आंख के अंदर का प्रोसीजर है, कॉन्टैक्ट टाइम नहीं है, स्प्लर्ज का रिस्क नहीं है, ब्लीड ज्यादा होता नहीं है, तो थोड़ा प्रेफरेबल हो जाता है विट्रेक्टमी इस टाइम पे स्टेरल बकल के मुकाबले। विट्रेक्टमी के दौरान हम लोग देखें कि कौन से टाइप का कैनुला यूज करना है। अगर एक नॉन वाल्व कैनुला वर्सेस वाल्व कैनुला की बात करें तो वाल्व कैनुला इज मोर प्रेफर्ड दीज डेज इन कोविड टाइम्स, क्योंकि अगर हम लोग नॉन वाल्व कैनुला यूज करते जब हम कंटेंट्स निकालते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स निकालते हैं तो फ्लूइड स्प्लर्ज का चांस बहुत ज्यादा होता है, तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए प्रेफरेबल है कि हम लोग वाल्व कैनुलास का यूज करें। ऑफ कोर्स इट्स अ नो ब्रेनर कि जितना ज्यादा हो सके हम नॉन कॉन्टैक्ट वाइड एंगल व्यूइंग सिस्टम्स को प्राथमिकता दें बजाय कॉन्टैक्ट वाइड एंगल व्यूइंग सिस्टम्स को। जब हम आईएलएम पीलिंग के लिए इरिगेटिंग कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं तो हमें ये प्राथमिकता में देनी चाहिए विस्को इलास्टिक स्कोप फॉर कपलिंग एजेंट्स रादर देन एक इरिगेशन लाइन जिसपे से बीएसएस आ रहा हो। ये सब कुछ इसीलिए ताकि हम जो भी फ्लूइड स्प्लर्ज है उससे जो फैलने वाले संक्रमण है हम उसको रोक सकते हैं। जितना भी सामान हम हर पेशेंट में ओपन करते हैं जो रीयूजेबल हो सकते हैं, जैसे कि ट्रोकार कैनुला भी कुछ लोग हम देखते हैं जो चैरिटी पेशेंट्स होते हैं उसमें रीयूज होता है, सिलिकॉन ऑयल 9 के 9 ml यूज नहीं होते, किसी में 5 ml यूज होता है, किसी में 3 ml होता है, हम उसको रीयूज कर लेते हैं, कभी कभी PFCLs रीयूज हो जाता है, तो हम ट्राई करेंगे कि इन सब चीजों को रीयूज ना करें और इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए जो कंज्यूमेबल्स हैं वो फ्रेश ओपन करें, इससे भी संक्रमण का चांस घटेगा। जब हम सर्जरी करते हैं तो कॉन्स्टिलेशन में या कोई भी मशीन जो भी आप यूज करें उसमें इन्फ्यूजन प्रेशर को थोड़ा सा कम रखें, अगर इन्फ्यूजन प्रेशर हाई रहता है तो जो पोर्ट्स होते हैं वो खुलने के बाद वहां से बबल का इग्रेस होता है या कंटेंट्स का इग्रेस होता है, अगर हम प्रेशर्स को कम रखते हैं तो अगर आप नॉन वाल्व कैनुलास भी यूज करें तो इग्रेस उतना ज्यादा नहीं है, तो जितना तक पॉसिबल हो इन्फ्यूजन प्रेशर को हम लोग कम रखें तो हम सर्जरी में कंटेमिनेशन को रोक सकते हैं। उसके अलावा कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट नॉर्मल ड्रेपिंग एंड 5% पोरोन आयरन विल डू द ट्रिक। यूवीआईटिस एक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है बिकॉज यूवीआईटिस के पेशेंट्स या तो खुद से ही इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं जैसे एचआईवी पेशेंट्स, या फिर उनको इम्यूनो सप्रेस कर दिया जाता है या तो स्टेरॉइड से या इम्यूनो सप्रेसेंट से। ऐसे पेशेंट्स में हमें बहुत जरूरी है देखना कि उस पेशेंट की एक्टिविटी है कि नहीं, अगर एक्टिविटी नहीं है तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि उसके इम्यूनो सप्रेशन को स्लोली घटा दे, बिकॉज इस टाइम पे संक्रमण इतना ज्यादा फैला हुआ है कि इम्यूनो सप्रेशन से उनकी चुनौतियां और बढ़ी जाएंगी। अगर बहुत जरूरी है और ऑफ कोर्स अगर डिजीज एक्टिविटी है तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, पेशेंट्स को जितना हो सके उतने लंबे लंबे फॉलोअप पे आप बुलाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इग्नोर कर दें, बट ट्राई करें कि जितना लंबा पॉसिबल हो उतना लंबा फॉलोअप रखें उनका। पेशेंट्स को अर्ली ऑन इन द मॉर्निंग बुलाना चाहिए, उससे क्या होगा कि जब भीड़ कम रहती है तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है वो बहुत अच्छे से उन पेशेंट्स में मैनेज हो सकता है, जो कि शायद लेटर ऑन इन द डे उतने पर्टिकुलरली मैनेज ना हो पाए, बट चूंकि इन पेशेंट्स में पर्टिकुलरली वो चीज मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो जितनी भी बातें सभी ने करी, मैंने करी, ये सब चीजें तो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी ये है कि हमें अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है, बिकॉज कोरोना वायरस इज हियर टू स्टे, सो इफ यू डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर इम्यूनिटी, तो ये सारे जो भी प्रिकॉशंस हैं ये कोई भी फुल प्रूफ नहीं है,
कभी ना कभी वो संक्रमण होगा, तो उससे बचने का एकमात्र श्योर शॉट तरीका ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और उसके लिए ऐसे भी पहले बताया गया है प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, एंड दिस इज द ओनली वे अबव एंड बियॉन्ड ऑल द प्रिकॉशंस वी टॉक्ड अबाउट दैट द ओनली श्योर शॉट वे ऑफ कंबैटिंग दिस मेनेस इज टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर विभूति कश्यप, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सरल शब्दों में सारी चीजें बताई. मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा. धन्यवाद डॉक्टर रणधीर झा. आपसे आप तक मेरी आवाज जा रही है, आप कनेक्ट हो पाएंगे डॉक्टर रणधीर झा? आज कुछ प्रॉब्लम हो गई है डॉक्टर रणधीर झा के साथ, हम उनसे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं. तब तक हम पूछते हैं डॉक्टर विभूति सिन्हा सर से, सर IMS में लगातार सर्जरी हो रही है और क्या प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं, क्या बचाव कर रहे हैं ऑपरेशन करने के पहले, क्या प्रोटोकॉल है या कैसे हम सर्जरी कर रहे हैं इंदिरा गांधी में, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए. पहले तो सतांशु भाई को और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा एक पहल किया है आप लोगों ने. विभूति कश्यप को बधाई, बहुत अच्छे से बोला आपने और मुझे लगा कि आप हिंदी के महारथी होने जा रहे हैं, हिंदी के भी, रिटना के तो हो गए. कई बातें हैं, मुझे लगा कि दो तीन बातों को मैं ध्यान से बोलना चाहूंगा. कोरोना ने जहां हम लोगों को अकेला कर दिया है, वहीं कोरोना ने हमको एक टीम के रूप. तो आपकी टीम गिरेगी, ये आप इसका निष्कर्ष आप पहले से लिखा हुआ है कि अगर आप एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन में और वहां पर एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित हुआ तो शायद आपको ये परेशानी होने वाली है, जिसको कि हम लोगों ने झेला भी. हमारे यहाँ चूंकि पूरे कोविड काल में इमरजेंसी प्रोसीजर्स होती रही, लगातार चलती रही, पूरे बिहार के सारे जगहों से जितनी भी इमरजेंसीज थी वो पूरी तरह से सिर्फ RIU में आते रहा और हम लोग करते भी रहे, लेकिन हाँ हमारे प्रोटोकॉल्स थोड़े से डिफरेंट थे और प्रोटोकॉल्स स्ट्रिक्ट थे जिसने हमें बचाया. हमारे यहाँ आज भी जितने भी मरीज एडमिट होते हैं उनको एक होल्ड एरिया में जाना पड़ता है और होल्ड एरिया में जाने के बाद उनका कोविड का टेस्ट होता है, RT-PCR होता है, और RT-PCR होने के बाद ही वो वार्ड में शिफ्ट किए जा सकते हैं और या फिर सर्जरी के लिए लिए जा सकते हैं. ऑल्दो इसमें कुछ घंटे जरूर नुकसान होता है, इमरजेंसी जैसे कि परफोरेशन लोग जानते हैं कहता है कि इमीडिएट सर्जरी करें, लेकिन शायद इसमें कुछ घंटे जरूर हमारे बर्बाद होते हैं, लेकिन वो घंटे व्यर्थ नहीं है, शायद पूरी टीम को बचा रहे हैं. नंबर टू, जो OPD प्रोसीजर्स हैं, जहां पर OPD में देखा जा रहा है जितना ओपन स्पेस कर सकते हैं उतना अच्छा, जितनी खिड़कियां खुली हो उतना अच्छा होगा, जितने कम लोग जा सकें उतना अच्छा होगा. तो हमने अपनी OPD को एक बड़े हॉल में शिफ्ट किया, सारे के सारे OPDs को एक बड़े हॉल में शिफ्ट किया और वहां पर एंट्री और एग्जिट को हम लोगों ने पूरी तरह से रेगुलेट किया. इसके अलावा जब भी मरीज जाता था तो उसकी मास्किंग गेट से चालू होती थी, मास्किंग, उसका एजुकेशन, फिर उसको हाथ धोने का, उसके लिए वॉश बेसिन लगाए गए ताकि वो जाकर के हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद में वो फिर जाकर करके सर्जन को दिखाता था. सिंगल डोर क्लियरेंस हमारा पॉलिसी रहा कि अगर इस दौरान अगर किसी रेजिडेंट ने देखा या किसी फैकल्टी ने देखा और उसे किसी और कंसल्टेशन की जरूरत है तो वहां पर हम लोगों ने फोन का इंतजाम किया ताकि फोन पर ही बात कर करके इस कंसल्टेशन को खत्म किया जाए, रैदर देन पेशेंट फिर से अपनी फाइल को लेकर के किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए, इसको हम लोगों ने अलाउ नहीं किया. इस तरह की छोटी छोटी चीजों को हम लोगों ने किया. एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो बहुत सारे करीब करीब 120 पैरामेडिकल स्टाफ वर्क कर रहे होते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि उनको हम अपने लेवल पे मोटिवेट रखें ताकि वो प्रोटेक्शन में रहें. हम तो सिर्फ उनको 8 घंटे देख रहे हैं लेकिन बाकी के 8 घंटे वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता है. तो इसके लिए हरेक सैटरडे को एक रेगुलर मीटिंग हम लोग कॉल करते हैं और उस मीटिंग में हर एक आदमी से हम लोग बातें करते हैं कि आपका क्या आपकी क्या परेशानी है, आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. और एक और चीज जो मैंने की वो था एक बड़ी
का एक नाम दिया हमने कि जिसमें कि दो के ग्रुप बनाए गए, हर एक स्टाफ का एक बड़ी हुआ। बड़ी का मतलब होता है कि वन हु इज लुकिंग आफ्टर यू। तो वो उसका काम होता था कि पहले बंदे को देखता रहे और उसको ऑब्जर्व करे, उसके जो फ्लॉज हैं उसको बताए। ये फ्लॉ बताने का मतलब ये नहीं कि उसकी शिकायत हो रही है, ये फ्लॉ बताने का मतलब कि आपको हम रोक रहे हैं ताकि कहीं कुछ गलती हो तो आपको हम संभाल सके। और साथ ही इन बडीज का ये भी रोल हुआ करता है कि वो अपने कलीग को जिनको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं उनको दिन में दो बार या तीन बार फोन करें, उनसे पूछें कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, आपके घर पे सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, ताकि सारे इंफॉर्मेशन एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ हम तक आए। तो छोटी छोटी चीजें हैं करनी है, और अगर वो सारी चीजें हम करेंगे तभी एज ए टीम हम जीतेंगे, अन्यथा शायद हम तो जीत जाए लेकिन मेरी टीम हार जाएगी, ये एक चांसेस बना रहेगा। धन्यवाद सर। सुरेश पांडे सर, बीच में राजस्थान में कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा थे और अभी भी किसी तरीके से कंट्रोल में आए हैं, आप लोग क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं या पर्टिकुलरली राजस्थान में क्या पॉलिसी चल रही है किसी केस को करने का, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। तो दीपक, बहुत अच्छा सवाल पूछा। राजस्थान में सबसे पहला जो आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में भिलवाड़ा एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा केस आए थे। और क्या यूएल में मैं पांडे सर बोल रहे हैं सर, पांडे नो साउंड, हाँ कैन यू हियर मी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही सर, आ रही। मैं बता रहा था कि भिलवाड़ा में सबसे पहला हमारा केस हुआ था, पर राजस्थान फर्स्ट स्टेट जिसने लॉकडाउन स्टार्ट किया था, और लॉकडाउन के बाद फिर जो एक प्रॉपर प्रिकॉशन जैसा कि डॉक्टर अभी सिन्हा बता रहे थे कि किस तरह से आप ट्रेनिंग प्रॉपर प्रिकॉशन जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बीमारी को से लड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमने चैलेंजेस भी देखे हैं, क्योंकि हमारी जो पब्लिक है राजस्थान पब्लिक को नॉर्थ इंडिया की है, वो मास्क लगाने के लिए हमको यूज टू नहीं है, पब्लिक नहीं है। तो कई सारे बार क्या होता है कि पेशेंट जब आता है तो वो मास्क हटा देता है या वो बोलना मास्क हटा के बात करता है। कई बार स्टाफ जो आपस में एक्चुअली जब चार पांच लोग इकट्ठे होते हैं तो मास्क हटा के बातें या मास्क करने बात करने लगे हैं, तो फेस शील्ड वाला होता है तो कई बार फेस शील्ड हटा दी जाती है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आपस में एक दूसरे को वॉच करें, और साथ ही साथ जैसा कि बताया कि किस तरीके से हम हॉस्पिटल में आए बिना ही काम चल, जैसे खुजली पानी के जो मरीज हैं उनको हम फोन पे कंसल्ट वीडियो कंसल्टेशन दे रहे हैं, वो शायद हेल्पफुल है काफी। और साथ ही साथ जो पेशेंट जो बाहर से आते हैं, इंटीरियर से आते हैं, वो 10-11 बजे बाद शुरू होते आना, तो उनको हम टाइम इस तरह से स्प्रेड करें कि पोस्ट ऑफ केसेज को जल्दी बुला लें या शाम को टाइम बुला लें 5-6 में या सुबह 9 के बीच में, ताकि उस टाइम पर रश नहीं हो, किसी भी रश नहीं हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर लेकिन साथ ही साथ एक्चुअली हम सब मिलकर रेगुलर सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो COVID-19 से हम लोग विजय पा सकते हैं। और इससे थैंक यू। एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा, सॉरी दीपक, हम लोगों का एक फोर टाइम वी हैव अ वेरी नैरो ब्रश विद कोविड पेशेंट, और ये चारों पेशेंट बच्चे थे। आई वोंट से कि इसका कोई इन्फ्रेंसेस निकालना है, लेकिन ये जरूरी है कि ये बिना मास्क के थे, बच्चे मास्क नहीं पहनते, जो बैकग्राउंड था इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वो लोअर तबका ही था। तो ये ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग बच्चों को देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस के लेवल को हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत ही स्मॉल एक फोर पेशेंट्स का एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चूंकि चारों पेशेंट्स ही पीडियाट्रिक के थे इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं, और बच्चों के साथ हम लोग
अलग तरीके से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा सतर्कता के लेवल को एक नॉच ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। जी सर, सर है अभी पुरेंद्र सर का नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तब तक उमंग सर एक सवाल आपसे है। हम डॉक्टर उमंग वर्मा सर, उमंग सर डॉक्टर उनका नेटवर्क चला गया। विभूति भूषण सर, एक हमारे स्टाफ ने क्वेश्चन, अच्छा उमंग सर आ गए, क्वेश्चन आपसे ही था। मैं आपकी बात, हाँ मैं सुन रहा था आपकी बात, आपके नाम से था इस वजह से मैंने आपसे पूछा। हमारे एक दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि जब मरीज आता है हमारे ओपीडी में तो बहुत गुस्से में रहता है, एज ए पैरामेडिकल स्टाफ तुरंत ही उनसे कंट्रोल नहीं होता, कहता है कि मुझे तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। तो आप ऐसे कंडीशन में पैरामेडिकल स्टाफ या जो हमारा स्टाफ काउंटर पर है, बिलिंग काउंटर पे या रिफ्रैक्शन काउंटर पे, वो कैसे उनको हैंडल करे, कुछ अपने टिप्स बताएंगे। हम सारे पैनलिस्ट से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि वो अपने के ओपीडी में जहाँ पे कि कुछ इस तरह के पेशेंट आते हैं जो सुनते नहीं है पैरामेडिकल स्टाफ की, उनसे कैसे डील कर रहे हैं, कैसे केयर कर रहे हैं उनका। तो ये प्रॉब्लम ना बहुत कॉमनली फेस हो रही है अभी, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने अपने मेन गेट के बाहर जो है एक बोर्ड लगवा दिया है जिसमें ये लिखा है कि वॉक इन पेशेंट्स नहीं देखे जाएंगे। जी, तो उससे फायदा ये है कि लोग अगर कोई वॉक इन भी अगर हमारे पास आ जाता है, आने की कोशिश करता है कोई दूर का पेशेंट, हालांकि मेरठ अभी कंटेनमेंट जोन के अंदर है और कंटेनमेंट जोन में मतलब अभी मूवमेंट तो शुरू हो गया है मगर बहुत रिस्की है, तो ऐसे में पेशेंट को पहले एक मैसेज यहाँ से जाता है जब भी कोई फोन करता है, और वो मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो हमारा ऑटो मैसेज है जो सबके पास जाता है, जिससे कि पेशेंट सेंसिटाइज हो जाता है कि अब इसमें टाइम लगने वाला है और जल्दी इसे काम होगा नहीं। तो इसमें मैसेज है कि आपातकालीन परामर्श अनुप्रयोग के लिए ये मैसेज है, और इसमें है जवाराई हॉस्पिटल की ओर से हार्दिक अभिनंदन, अपने जवाराई हॉस्पिटल को अपने आपातकालीन सेवा प्रदान के रूप में चुना है, आपकी सुरक्षा हमारा प्रमुख ध्येय है, कृपया अपने परामर्श के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें, कृपया अपना नाम, उम्र, लिंग, पता, आधार कार्ड नंबर और अपनी शिकायतें हमारे हेल्पलाइन पर SMS के माध्यम से भेजें, इससे आपकी अस्पताल में आने से पश्चात स्क्रीनिंग और पंजीकरण में समय बचेगा। वर्तमान में केवल आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जा रही है जिसमें 10 से 1:30 बजे तक ही उपलब्ध है। अस्पताल में प्रवेश करने वाले किसी भी मरीज को नया 3-ply सर्जिकल मास्क पहनना होगा जिसे अस्पताल रोगी के लिए प्रदान करेगा। परिचारक अपने लिए मास्क खरीद सकते हैं, बिना मास्क के अस्पताल में प्रवेश निषेध है, किसी भी परिचारक को अस्पताल के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। हम किसी अटेंडेंट को अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी, किंतु विकलांग रोगी, गर्भवती महिला, 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, छोटे बच्चों के लिए केवल एक परिचर की अनुमति है। परिचारक को अस्पताल के बाहर इंतजार करने में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए अस्पताल खेद व्यक्त करता है। कोई भी बैग, मोबाइल, चाबी, खाने पीने की चीज, फाइलें, सामान आदि को अस्पताल के प्रवेश द्वार के अंदर नहीं लाने दिया जाएगा। हर मरीज को अपने कलम लेकर आना अनिवार्य है। रोगी को सब सामान बाहर इंतजार कर रहे परिचर की देखरेख में छोड़ना होगा। मरीज को कुछ दस्तावेजों जैसे राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय एवं CMO मेरठ की दिशा निर्देशों के अनुसार की आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। रोगी और परिचारक को आपातकालीन ओपीडी पंजीकरण के लिए ब्लूटूथ, ये आरोग्य सेतु ऐप को ऑन रखना होगा जिसके साथ ब्लूटूथ ऑलवेज ऑन में होना चाहिए। अस्पताल आपकी सुरक्षा में सभी उपाय करेगा जिस कारण स्क्रीनिंग, स्वच्छता रखरखाव, पंजीकरण और नेत्र परीक्षण में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। कृपया रोगी सुरक्षा कवच में पूरा सहयोग दें। इस महामारी में ऑनलाइन भुगतान, IMPS, नेफ्ट, बैंक स्थानांतरण, पेटीएम, गूगल पे आदि की नकद भुगतान से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। सहायता के लिए संपर्क सूत्र, ये 4 नाम है जिनके फोन नंबर है। अत्यंत सावधानी तथा सुरक्षा के साथ आपकी सेवा में हमारी मदद करें। जो इस सेवा में हमारी मदद नहीं करेगा उसको अस्पताल देखने से रिफ्यूज कर सकता। ज्योति भूषण सर, आप लोग क्या कर रहे हैं झारखंड में, अगर ऐसा कोई मरीज आता है जो पैरामेडिकल स्टाफ हमारा है, जो रिसेप्शनिस्ट है, उससे झगड़ा कर लेता है, मुझे
डॉक्टर को ही दिखाना या अड़ जाता है, ऐसे लोगों को कैसे देख रहे हैं और कैसे समझा रहे हैं? तो एक्चुअली एक डिपेंड करता है कि आपके अस्पताल का पहले से सिस्टम क्या चल रहा है। अगर वहाँ ऐसा सिस्टम चल रहा है कि वर्कअप हो करके एक सर्टन सिस्टम के बाद ही एक इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो एक बेसिक सबको ये पता रहता है कि इस बात पे बहस कम होती है। लेकिन फिर भी अगर अक्सर ऐसे मरीज आते ही हैं जो कि किसी न किसी बात को लेकर के थोड़े नाराज होते हैं या उनकी कुछ ग्रीवांसेस होती हैं, तो उसमें उनकी साइकोलॉजी को चेंज करने के बजाय सबसे अच्छा ये रहता है कि हम अपने स्टाफ से ये कहें कि वो अपनी आवाज़ को बिल्कुल धीमी रखें, क्योंकि अभी ये भी पता है कि ज़्यादा जोर से बोलने से या फिर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करने से भी हम संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इसलिए सबसे अच्छी बात ये, पहली बात तो ये है कि हमारे जो भी स्टाफ में सकता है उनकी जिम्मेदारी है कि वो उत्तेजित बिल्कुल भी ना हो और बहुत ही सामान्य भाव से बहुत ही पेशेंटली वो मरीजों को ये बात समझाएं कि भी ये समस्या है, इसमें इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है, ये आपके लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है, तभी ये सेवाएं आपको मिल सकती हैं जिससे आपको लाभ हो सकता है। और ये तो शुरू से ही जैसे ये मैसेज हम लोग देते रहे हैं कि अभी सिर्फ इमरजेंसी सेवाएँ ही हो रही है और बहुत रूटीन केसेस हैं, जैसे कई बार ऐसा भी हो रहा है कि हम लोग फंडस एग्जामिनेशन भी डिटेल में नहीं कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन भी, जैसे आमतौर पर जो पेशेंट छः महीने साल भर के बाद आते थे उनका हम लोग 6x6 विजन होने के बावजूद एक बार रिफ्रैक्शन चेक कर लिया करते थे कहीं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं कि नहीं। अब है कि प्योरली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है, 90D पे या 78D पे हम लोग फंडस देख लेते हैं ताकि डिस्क और मैक्युला का थोड़ा असेसमेंट हो जाए और बेसिक एक इमरजेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो पेशेंट को ये मैसेज देना जरूरी है और ये मैसेज कैसे दिया जाना है, ये रिसेप्शन का एक स्टाफ कैसे देगा, एक रिफ्रैक्शनिस्ट के पास पेशेंट जाता है तो वो किस तरह से मरीज से बात करनी, इसकी ट्रेनिंग उन लोगों को समय समय पर देनी है और उनके इन कटु अनुभवों को सुनना, जो कि डॉक्टर विभूति सिन्हा ने बताया कि वो वीकली ये मीटिंग करते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इनपुट लें कि आपसे पेशेंट ने किस तरह से बिहेव किया और उसको हैंडल करने का तरीका उनको हम बताएं कि आपको इसमें ये बोलना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, ये करने पे शायद ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उत्तेजना पर कंट्रोल को रखना सबसे इंपॉर्टेंट। इस समय सबसे अच्छा मुद्दा ये है कि इस समय कोरोना से सभी लोग अवेयर हैं, सबको मालूम है, एहतियात बरती जा रही है, तो ज्यादातर मरीज जो है कोई झगड़ा करने की मंशा में नहीं होता है, मगर स्टाफ का हमारा ये फर्ज ये बनता है क्योंकि हम कई बार बाहर धूप में खड़ा करना पड़ता है, वो लाइन लगी हुई है, तो सहानुभूति के साथ पेश आए और आपके बाहर अगर पोस्टर लगा हुआ है बोर्ड की ये रूल्स फॉलो करने हैं तो स्टाफ कहता है कि भाई आप इनको पढ़ लीजिए एक बार, हमें इंस्ट्रक्शन से हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, आपको ही फॉलो करने हैं, अदरवाइज पुलिस वाले आके हमें हमसे इंक्वायरी करते हैं, तो वो थोड़ा मरीज भी समझ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें भी समझना पड़ेगा कि मरीज की परेशानियां क्या है और मरीज को भी समझना पड़ेगा कि डॉक्टर की परेशानियां क्या है। मैडम आप यू वांट टू से समथिंग? हाँ, ये तो हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में चारों तरफ बैनर्स लगाए हुए हैं और जहाँ पे हैंड वॉशिंग एरिया है वहाँ भी लगाया है, और जब मरीज आते हैं तो जब वो देखते हैं कि इतना सेफ प्रैक्टिस पैटर्न, एक गार्ड भी यूज कर रहा है और लगातार सबकी थर्मल स्कैनिंग कर रहा है, रिसेप्शन पे इतनी व्यवस्था है, तो मरीज ज्यादा कुछ बोलते नहीं। yes, तो वैसे तो देखिए कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट वगैरह कराने के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी सरकार की तरफ से रूल नहीं है, लेकिन हम लोग अपने जितने भी इलेक्टिव सर्जरीज हम करा रहे हैं उसमें हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करा लेते हैं, RT-PCR नहीं कराते लेकिन रैपिड एंटीबॉडी कराते हैं, लेकिन उसमें भी मरीज कोई कुछ परेशानी हमें नहीं करे, सब करा रहे हैं। डॉक्टर विभूति, आप एक इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे? डॉक्टर विभूति, वो मैंने शेयर किया भी, एक तो कि हम लोग इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं क्योंकि इसने हमको सोचने का मौका दिया, पहले तो 500 पेशेंट्स पर डे के होते थे तो कभी सोचने का भी मौका नहीं मिलता था कि हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लो चल रहा था तो बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा EMR सिस्टम बहुत अच्छा नहीं काम करता था या हमारा, तो इन सब दौरों में हम लोगों ने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज किया है कि हम पेपरलेस OPDs क्रिएट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा सिस्टम धीरे धीरे अडेप्ट होता जाए, हर एक वीकली जो मीटिंग्स होती हैं और उस मीटिंग्स में डिसीजंस होते हैं कि हमको क्या करना है। उसके अलावा जो पहले हमने शेयर कर लिया है कि हमारे यहाँ की चूंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, टर्सरी केयर इंस्टीट्यूट है, तो ये हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हम अपने पेशेंट्स को एडमिट कर RT-PCR कराएं और उसके बाद में ही सर्जरी के लिए लें, तो ये हमें एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है।
इस पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं कि आरटीपीसीआर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन में जो स्थिति है और जो कोविड की स्थिति है, खास करके पटना की आज के दिन में जो स्थिति हो चुकी है, बिना कोविड टेस्ट के या आरटीपीसीआर के वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ सर्जरी टिल थिंग्स नॉर्मलाइजेस। तो हमें अपने को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने स्टाफ को भी प्रोटेक्ट करना है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना होगा, तभी शायद हम लोग आगे कुछ दिन और काम कर पाएंगे। थैंक यू सर। विनोद अरोड़ा सर, एक क्वेश्चन है आपसे। हमारे एक श्रोता पूछना चाहते हैं कि अभी सभी लोगों ने रूटीन कटरेक्ट सर्जरी शुरू कर दी है, तो आप ए स्कैन करने या कटरेक्ट वर्कअप के लिए क्या प्रिकॉशन एडवाइज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर ये जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है या रेजिडेंट है वही वर्कअप करते हैं, तो क्या आपके यहाँ क्या सीन है और कैसे आप इसको कर रहे हैं? देखिए, कैटरेक्ट जो है हमें मजबूरी में स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि पेशेंट्स जो है मैच्योर कैटरेक्ट होते जा रहे थे इमैच्योर कैटरेक्ट से, तो रूटीन सर्जरी कैटरेक्ट की करनी पड़ रही है, हम लोग ज्यादा समय वेट नहीं कर सकते। उसमें अगर हम लोग ए स्कैन यूज कर रहे हैं, वैसे ऑप्टिकल बायोमेट्री इज बेटर, हम लोग ज्यादातर केस में वही यूज करते हैं, पर कुछ केसेस में ए स्कैन करना पड़ता है जहाँ हमारी अल्ट्रासाउंड यूज करना पड़ता है, जहां पर हमारा ऑप्टिकल बायोमेट्री काम नहीं कर रही, तो उसमें प्रोब को टच करना पड़ता है, तो उसमें कोई ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं है। एक तो हम लोग पहले एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल देते हैं पेशेंट को अगर कोई आता है, दूसरा जो है हम लोग उसको करने के बाद जो है उसको प्रोब को अच्छी तरह से साफ करते हैं, इसमें हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्वाब बना के रखते हैं, उसे क्लीन करके रख लेते हैं। सेकंड, जो दूसरा पेशेंट हमें यूज करना है तो उसमें हमको थोड़ा गैप देते हैं, एकदम से एक साथ बैठा के नहीं करते, मेन प्रिकॉशन तो यही है उसके लिए। और कोशिश ये होती है कि उस दिन सेम डे ना हो, जिस दिन कैटरेक्ट सर्जरी करनी है उस दिन ना करें उसको, उससे पहले ही करके रख लें। बेसिक थिंग ये है कि हमारी आजकल सर्जरी भी ओटी में हम लोग कमी कर रहे हैं, जैसे पहले 10-15-20 सर्जरी होती थी, अब 3-4 सर्जरी कर रहे हैं, तो वी कैन मेंटेन दिस प्रोटोकॉल कि हम ज्यादा पेशेंट को टच ना करें, अगर इमर्शन मेथड करें तो दैट इज बेटर देन कॉन्टैक्ट मेथड, और प्रॉपरली क्लीन करें हर, चाहे बी स्कैन करें चाहे बी स्कैन करें, प्रोब को प्रॉपरली क्लीन करें। डॉक्टर सुरेश? यस, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कैटरेक्ट सर्जरी के लिए पेशेंट आता है तो उसको उस सेम डे नहीं करें, उसका पहले से वर्कअप कर लें एक दिन, उसमें प्रॉपर क्लीनिंग करें, जैसे जैसा कि डॉक्टर विनोद ने बताया, और जो ऑप्टिकल बायोमेट्री हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन कई बार मेच्योर कैटरेक्ट में ऑप्टिकल बायोमेट्री पॉसिबल नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं उसमें स्टाफ बायोमेट्री जब भी करता है तो ग्लव्स यूज करता है, देन और साथ साथ क्लीनिंग करता है, और 2 केस या 3 केस से ज्यादा एक बार में रखते नहीं। हमारे यहाँ भी जो ऑफ कोविड टेस्टिंग आरटीपीसीआर अभी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई बार डिस्कशन चलता है कि शुड वी गो फॉर चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, पर लेकिन अभी वैसे हम लोग यही कर रहे हैं कि जो प्रॉपर स्क्रीनिंग थर्मल स्क्रीनिंग करके हिस्ट्री लेके, और जो भी पेशेंट जो इमरजेंसी बेसिस पे आ रहे हैं या जो मैच्योर कैटरेक्ट हैं उन्हीं को कर रहे हैं, क्योंकि आज के पेशेंट भी जो हैं वो जो इलेक्टिव सर्जरी वाले केस हैं 6/12, 6/24 विजन वाले, वो तो वेट करेंगे और करना भी चाहिए उनको, और जो लोग कोविड लॉकडाउन के टाइम पे प्लान कर रहे थे सर्जरी और उनकी सर्जरी पोस्टपोन होगी, तो वैसे केस ज्यादातर आ रहे हैं जो वन आइड हैं या जिनको मैच्योर कैटरेक्ट हो गया है या जो जिनकी ज्यादा कम्प्रोमाइज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो भी सर्जन सर्जरी कर रहे हैं वो 20 मिनट्स में सर्जरी करके दो या तीन केस से ज्यादा नहीं, और प्लस यदि ज्यादा केस है तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, और केस कर रहे हैं, आज केस किया तो कल थोड़ा सा गैप दे दिया और परसों फिर दोबारा केस ले लिया, इस तरह से। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है डॉक्टर विभूति कश्यप आपके लिए। हमारे रेटिना के पेशेंट जो रेगुलर इंट्राविट्रल इंजेक्शन हम लोग कहते हैं 4-6 सप्ताह बाद लगवाना है आते हैं, वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं इस कोविड में, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे रेटिना के इंजेक्शन जो इंट्राविट्रल इंजेक्शन हम लगाते थे वो लग रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं, तो क्या स्पेशल प्रिकॉशन आपके तरफ से एज ए रेटिना एक्सपर्ट ये होना चाहिए जो लोग रेटिना के लेजर या इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं उनके लिए?
सर इंट्रावेटल एंटीवेजेव्स के एडवेंट के पहले तो जो हम लोग क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं कि जिन जिन केसेस में मोस्टली मैक्यूलर एडिमा होता है वो सारे केसेस कुछ किसी ना किसी सिस्टमिक डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट मैं अपने पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि इंजेक्शन का असर लिमिटेड है. यू हैव टू हैव अ सिस्टमिक कंट्रोल ऑफ द प्रॉब्लम. तो जैसे अगर कोई बीआरवीओ का पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है उनको उनका अगर एडिमा रिकर हो रहा है तो रिकरेंस से सबसे पहले बचाने के लिए आई वुड एडवाइज हिम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट सिस्टमिक कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स. सेकेंडली आई जस्ट आस्क देम फॉर अ होम फॉलोअप एंड वीडियो कंसल्टेशन, दैट्स ऑल. अगर ऐसा होता है कि वो आ नहीं पा रहे तो सर उसके उस टाइम पे तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं. सो इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बट अगर हो गया है तो द ओनली वे इज टू गिव देम द इंजेक्शन. आई अवॉइड लेजर. मैं लेजर नहीं, मैं मतलब आई प्रेफर इंजेक्शन मोर देन लेजर इन दीज टाइम्स. बट अगर पेशेंट्स आ नहीं पा रहे हैं तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज टू हैव सिस्टमिक कंट्रोल. हाँ, अगर पेशेंट्स आते हैं तो आई मेक श्योर कि जो लॉन्गर एक्टिंग एंटीवेजर्स है, जैसे मेरा प्रेफरेंस था पहले कि मैं रेनबिजुमैब लगाऊं, लेकिन चूंकि बेवैसिजुमैब का टी हाफ या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 101 प्लस माइनस 14 डेज वर्सेस रेनबिजुमैब जो था कम होता है, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अपने पेशेंट्स में अगर वो फॉलोअप के लिए नहीं आ सकते तो आई ट्राई गिविंग देम अ लॉन्गर एक्टिंग एंटीवेजर. अब आइलिया बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जिसको हम लोग हर दो महीने पे लगाते हैं, लेकिन bevacizumab is cheaper also and it's longer acting also, so I prefer those treatments. अगर patients बहुत लंबे follow-up के लिए नहीं आ रहे हैं या बहुत दूर से आ रहे हैं किसी containment zone से किधर इसके आ गए हैं, तो फिर in those cases when I know कि laser के बाद injection के बाद उनको वापस आना ही पड़ेगा, उतना अच्छा response नहीं आएगा, so I make sure कि जितनी जल्दी हो सके I laser them. Because once you laser is a more permanent and sort of long staying treatment for any kind of edema rather than antivirals. So that is what my protocol is. Vibhuti, for examination of retina, do you आप कौन को extra precaution ले रहे हैं? Sir, नहीं sir. I mean, I avoid direct ophthalmoscopy. I usually use my non-contact methods for slit lamp biomicroscopy. Indirect में वही सर फेस शील्ड लगता है. I used to use 3-ply mask. Now I am using N95 mask. Patients को सर I don't talk to patients. I don't मतलब बहुत minimal talking होता है patients का, no touch and just hand movement से instruction मिलता है patients को left and right देखने का. उसके अलावा there is no special precaution in retina. हाँ, जो scleral depressors है, अब मैं अपने scleral depressors जो होते हैं metallic वो use नहीं करता. I use those disposable cotton tips for indentation. इसके अलावा extra कोई precaution नहीं है sir, rather than the other normally discussed things. Jyoti Bhushan sir, आपका कोई suggestion, कुछ आप add करना चाहेंगे? नहीं, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी के लिए तो बेसिकली वही है कि वो शील्ड लगा रखा है. इनफैक्ट मैंने भी इनडायरेक्ट के बीच में जैसा विभूति कश्यप ने बताया उस तरह का एक लगा रखा है ऐसा करीकर ट्रांसपेरेंट. लेकिन जो फेस शील्ड है उसके भी ऊपर से हमने ट्राई किया है इनडायरेक्ट करने का, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है लेकिन उसके फेस शील्ड पहन करके स्लिट लैंप पर एग्जामिन भी किया जा सकता है और इनडायरेक्ट भी किया जा सकता है, तो इट इज पॉसिबल. और उसके अलावा वही जैसे नो टच टेक्निक है, यू आप कम से कम बात करें पेशेंट से इशारे में, उससे आप उसको बताएं कि किधर देखना है और क्या करना है, और यही चीजें जितना कम से कम टच कर सकें. और एग्जामिनेशन के बाद अपने 20D को आप अगर प्लास्टिक से, जैसा उन्होंने बताया, मैंने भी कवर करके रखा है वैसे, उसको क्लीन किया जा सके आसानी से. और कुछ विशेष नहीं है. विभूति सिन्हा सर, ग्लोकोमा के मरीज ऐसे होते हैं जिनका ज्यादातर इलाज होता है प्रेशर चेक करके, बिना प्रेशर के जब भी वो आते हैं फॉलो अप में या जरूरत होती है कम से कम प्रेशर तो हम लोग चेक करते ही हैं. उसके बाद अगर किसी को लंबे जरूरत पड़ी तो उनका फील्ड भी कराते हैं. तो आज के दिनों में आप प्रेशर चेक करने के लिए क्या उचित समझते हैं और क्या आप फील्ड करा रहे हैं अपने डॉक्टर विभूति? व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ आईओपी चेक नाउडेज? हम तो एप्लेनेशन ही कर रहे हैं सर. अभी आपके पास आई केयर वगैरह अगर है तो ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एप्लेनेशन ही ज्यादा सेफ है विथ, चूंकि आप स्लिट लैंप इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई नया काम नहीं कर रहे हैं उसमें जो कि आपको ज्यादा रिस्क पर डाल रहा है. ओनली थिंग इज कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो एप्लेनेशन है वो दूसरे पेशेंट को जब बैठाएं
तो उससे पहले आप अल्कोहल से क्लीन कर लें। तो अभी हम अप्लेनेशन ही कर रहे हैं, एंड पर्सनली आई डोंट बिलीव इन ग्लोकोमा प्रैक्टिस विदाउट अप्लेनेशन, सो दैट इज बाय वे ऑफ डीलिंग विथ माय ग्लोकोमा पेशेंट्स। जहां तक फील्ड की बात है, तो फील्ड के चूंकि डोम को आप सैनिटाइज नहीं कर सकते, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि सोडियम हाइपोक्लोराइट ऑल्दो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन इसने अस्पतालों के सारे फर्नीचर को खराब कर दिया। जिस इंस्ट्रूमेंट पे पड़ा उसको उड़ा दिया उसने, तो वहां पर नहीं करें। वहां पर बेहतर है कि अगर आपके पास यूवी लाइट्स हैं तो यूवी लाइट से उस रूम को अगर प्रोटेक्ट कर सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ बस यही सारी चीजें रहती हैं और क्या। यूवी लाइट से कितने लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपना, कितने लोग यूवी लाइट को यूज कर रहे हैं? हम अपने पर्सनल के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन हाँ चूंकि जहां पर हम्फ्री फील्ड एनालाइजर है उस इलाके को हम सैनिटाइज के लिए मना कर चुके थे पहले, चूंकि सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ हम लोगों ने देखा, माइक्रोजन के साथ हम लोग कर सकते थे। सो आई स्टार्टेड पुटिंग अप यूवी लाइट्स इन दोज रूम्स जहां पर कि हम प्रॉपरली सोडियम हाइपोक्लोराइट से या माइक्रोजन से उसको सैनिटाइज नहीं कर पा रहे थे। कितने घंटे चला के रखते हैं वो? ओवरनाइट। ओवरनाइट तो मतलब कितने बजे ऑन करते हैं, कितने बजे ऑफ कर देते हैं? शाम को 5 बजे जब हॉस्पिटल बंद हो रहा होता है तो बंद हो जाता है, चालू हो जाता है, और सवेरे 9 बजे तक खुला रहता है, उस समय ऑफ होता है, और फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे तक कुछ नहीं होता है। ऐसे भी हमारे फील्ड एनालिसिस का जो भी पेशेंट है और फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी के, ये हम सिर्फ अपॉइंटमेंट पे कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड चूंकि इमरजेंसी प्रोसीजर्स है तो वहां पर हम डेली कर रहे हैं, जो ए स्कैन बी स्कैन है वो हम डेली कर रहे हैं, या कुछ छोटे मोटे प्रोसीजर्स को हम लोग डेली कर रहे हैं। लेकिन हाँ एक है कि अल्ट्रासाउंड में भी चूंकि कॉन्टैक्ट टाइम लॉन्ग है तो वहां पर हमारे स्टाफ जो भी उसको हैंडल कर रहे हैं, डॉक्टर्स या स्टाफ, उनको पीपी पहनना पड़ता है, अदरवाइज वी डोंट अलाउ देम टू हैंडल द अल्ट्रासाउंड, क्योंकि वहां लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको अपने पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आना पड़ रहा है। एंड विजुअल फील्ड, वहां भी पीपी? नहीं, विजुअल फील्ड के पास पीपी नहीं है, लेकिन एग्जॉस्ट फैन, वी हैव पुट एग्जॉस्ट फैन, और फैन को जो है वो पेशेंट के बैक साइड से हमने किया है ताकि वो एयर को अवे फ्रॉम द जो हेल्थ केयर वर्कर वर्क कर रहा है उनसे अवे ले जाए। एक वन थिंग मोर इंपॉर्टेंट, रूम फ्रेशनर विद द हिपा फिल्टर वेरी गुड इन द ओपीडी आल्सो अलोंग विद द ओटी बिकॉज़ दे आर टेकिंग द एयर एंड दे आर फ्रेशनिंग द न्यू एयर। एग्जॉस्ट इज अनदर गुड ऑप्शन, we should continue the exhaust. If we have the option, we can put the exhaust. We are not having exhaust till now. They are always a good option now. I would like to add two things jo abhi doc sahab ne batai. Ek to ye ki we really should seriously consider using microgen 256. Hypochlorite ne sare hospitals ka matlab halat bahut kharab kar diya hai. Haan, matlab wo sare jo cheeze 10 saal se theek chal rahi thi उसमें सब में जंग लग गया और सब बेकार हो गया, मतलब विचुअल अमाउंट टू लैक्स ऑफ रुपीस इन फर्नीचर इन फर्निशिंग्स। तो वी हैव शिफ्टेड टू माइक्रोजन एंड इट वर्क्स आउट टू बी चीपर देन हाइपोक्लोराइट। दिस इज अनदर मैम, वी यूज 4 ml इन 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 4 ml इन अ लीटर, आई थिंक 4 ml इन 10 liters है मैम, शायद मैं आई विल 4 ml है, मेरे को याद नहीं स्टाफ, आई मीन द हाउसकीपिंग स्टाफ दे हैव गिवन अ चार्ट ऑफ दिस, बट आई नो दैट दिस वर्क्स आउट टू बी चीपर। इफ यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन शेयर योर नंबर, आई विल सेंड यू हाउ वी डन अ स्मॉल स्टडी ऑन दिस एंड व्हाट्सएप पे डाल लीजिए, ग्रुप के व्हाट्सएप पे। मैं ग्रुप के व्हाट्सएप पे डाल देता हूं, मैं वही आईवेट गाइडलाइन में है, मैं अभी शेयर कर देता हूं। हां, एंड दूसरा एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जो अभी यूवी फिल्टर्स के बारे में, यूवी लाइट के बारे में बात हो रही थी, एक्चुअली यूवी लाइट का ना डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो जो द कोव ऑफ द डोम ऑफ द एचपीएफ तक यूवी लाइट पहुंचे, ये तभी पॉसिबल है कि डोम के आगे लगी हुई हो। सो कुछ ना होने से हो, मगर वो कितना सक्सेसफुल होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। अच्छा, डोम के आगे लगाना, मतलब डोम के आगे लगा देना। मैडम एक्चुअली यूवी लाइट इज वेरी कंट्रोवर्शियल इन द सेंस in the room, if it is on the wall, it is not going to affect the part you want to get it done. It should be near the part. So people have made arrangement. लोगों ने इसका arrangement क्या किया है, उन्होंने इसको
कि चीप पे फिक्स करके दे आर पुटिंग इट नियर द पार्ट दे वांट टू क्लीन इट. सेकंड थिंग इट इज हार्मफुल फॉर द स्किन आल्सो. वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द यूवी लाइट. ओके, लॉन्ग डिस्कशन वन वेबिनार वन मोर एंड वी विल अरेंज इन एसएससीसी दिस वन आल्सो वेरी सून. बट दे आर साइड इफेक्ट्स ऑफ वेबिनार ऑन द स्किन. यू हैव द रिस्क And don't forget, but all the equipment that is exposed in UV light will become discolored. Yeah. One question, sir, from all the expert and speaker, what is the, it is good or what is your use regarding the pre-mandatory RT-PCR before the surgery or pre-operative? Jyoti Bhushan, sir, start from you. No, we are not doing it. हम लोग हर patient पे नहीं करा रहे हैं. इनफैक्ट फॉर्चुनेटली मेरे पास वैसा कोई केस अभी तक सर्जरी का आया भी नहीं है जो कि वैसे सेंसिटिव या फिर कंटेनमेंट जोन से हो जहां पर कि मुझको इसकी जरूरत महसूस हो. तो मैंने तो नहीं कराया है अभी तक जो भी सर्जरीज मैंने की हैं इस कोविड के दौरान, उसमें किसी पेशेंट को मुझे कराने की जरूरत महसूस नहीं हुई. ओके सर, सुरेश सर. एक्चुअली राइट नाउ वी हैव नॉट done this test because like first of all the government of Rajasthan, you know, the facility is not you know being provided to private doctors of Rajasthan. Mostly this facility is for government doctors only, and so that's why right now we are not ordered this test. Bharti ma'am. ये देखिए, झारखंड में गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी तो नहीं बनाया है, लेकिन झारखंड के जितने भी हॉस्पिटल हैं जो इलेक्टिव सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी जो भी ले रहे हैं वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं, यहाँ पे आरटीपीसीआर नहीं करा रहे हैं. और हमारे हॉस्पिटल में भी कई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से पॉजिटिव आए, जिनको हमने आरटीपीसीआर कराया तो वो निगेटिव आए. जी हाँ, ऐसा आप लोग तो सभी लोग करा रहे हैं आईएमएस में. ऐसा दो तीन बातें हुई है. पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है कि ये एसेंशियल है लेकिन कंपलसरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का इस पे स्टेटमेंट है. नंबर टू, जो गवर्नमेंट का एफिडेविट था इन दैट केस वाज कि डॉक्टर्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. दैट मींस कि डॉक्टर्स कैन टेक एनी एक्शन विच कैन प्रोटेक्ट देम. तो इसलिए अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं तो इट्स ऑलवेज सेफ, क्योंकि जो स्क्रीनिंग टूल्स थे आपके पास, क्या क्या स्क्रीनिंग टूल था? ट्रेवलिंग हिस्ट्री, इट इज गॉन नाउ. एवरीवेयर कंटेनमेंट जोन, अब कोई भी ट्रेवलिंग हिस्ट्री का कोई रोल नहीं रह गया. आपका टेम्परेचर वो फैलेशियस है. ऑक्सीजनेशन वो थोड़ा मोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, और थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली अगर हिस्ट्री अगर प्रॉपर लेते हैं तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलता है. तो आपके पास ये सब टूल जो है वो सारे बड़े मिस इन्फॉर्मेशन वाले हैं. बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत क्लियर कट आपको इंफॉर्मेशन देने जाना है. दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स को अगर हमारे पास जिस दिन फैसिलिटी डेवलप कर जाए उस दिन से हमें पेशेंट को इसको रूटीन में लाना पड़ेगा, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड. आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन थिंग हियर. वी हैव हमने अपना थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज किया है. वी जस्ट रिज्यूम्ड आवर सर्जरी कपल ऑफ डेज अगो. तो हमने क्या किया कि अब हम वी आर नॉट डूइंग एनी बायोमेट्री एंड ऑल. वी गेट एन आरटीपीसीआर डन. वी हैव सीन द इनडायरेक्ट पेशेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर सर्जरी. बायोमेट्री एंड the IVL calculations we leave. Uska jis din RT-PCR okay report aati hai, us din jaise PCR ki report aati hai, next day wo hamare paas aata hai. We do a biometry and if required, kyunki ab mature cataracts zyada aa rahe hain to hamare paas biometry mein ultrasound biometry karni padti hai. Matlab to wo hum tab karte hain when we have a negative report and we operate on the same day. Which earlier we were avoiding to do a touch, any touch thing and operate, but we do it on the same day now. Bulaya, haath ke haath sab kiya and operate karke bhej diya. But the numbers are of course very less. धन्यवाद सर. इसी के साथ आप सभी लोगों का, सभी लोग इस वेबिनार में आए, इसमें छह राज्य जो हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, सभी के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव रहे और सबने अपनी अपनी बातों को रखा. इस चीज़ का कंसेप्ट ये था कि बहुत सारे हमारे पैरामेडिकल भाई बहन थे जो बार बार बोलते थे कि उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है, एक उनके अपने लैंग्वेज में कोई चीज़ होनी चाहिए. इस सभी के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद. और इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इंटो टीम का, रमन जी का, तिवारी जी का, एंड आज के हमारे आईटी होस्ट राहुल जैन का, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया.
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है कि सबको ये फायदा पहुंचाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।